ओके देन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो ब्रेक पे जाने के पहले अपन लोग ने कुछ बातें की थी SFM से रिलेटेड, दैट व्हाट एग्जैक्टली आर द चैप्टर्स जो अपन लोग पढ़ने वाले हैं इस सब्जेक्ट में, कैसे उसको मैंने प्रैक्टिकली डिवाइड किया है सो दैट यू एज अ स्टूडेंट आर ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल। सो आपको पता है कि बॉस, मेरे को अगर एग्जाम में 25 मार्क्स चाहिए, मैं फेज वन करके जाऊंगा। मेरे को एग्जाम में 50 मार्क्स चाहिए, चल मैं फेज टू करके जाऊंगा। उसके एग्जाम में 75 चाहिए, 100 चाहिए, चारों फेस करके जाऊंगा, राइट? फिर बाद में अपन लोग ने पेपर पैटर्न समझा, और वो पेपर पैटर्न से हम लोग ने अज्यूम आई मीन डिराइव कर लिया कि मेरा थियोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में 1 4 मार्क का थियोरी है। सो इन शॉर्ट 24 मार्क्स का थियोरी आने वाला है, उसमें से 20 मार्क्स कंपल्सरी मुझे अटेम्प्ट करना ही है। तो 20 मार्क्स का थियोरी अटेम्प्ट करना ही है, तो उसको भी एकदम स्ट्रांगली अपन लोग को करके जाना है। देन वी अंडरस्टूड के बुक्स में कैसे उसको अपन लोग ने एग्जॉस्टिव बनाया है, मतलब एक प्लान्ड लेवल पे बुक लाया हूं मैं। ऐसा नहीं है कि बस ठीक है आप लोगों को कुछ जेरोक्स नोट्स दे दिया या खाली एक ऐसे ही कुछ दे दिया। इट इज अ प्लान्ड होलिस्टिक ऑथर्ड बुक जो आप लोग के पास आने वाला है, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम। जो बाय डिफॉल्ट आईसीआई तो कवर करेगा ही, और मैं बोलता हूँ आईसीएआई को तो बहुत पीछे छोड़ देगा अपना बुक, बिकॉज आईसीआई तो मैं कवर करूंगा ही। उसके अलावा काफी सारे फीचर्स जैसे प्रीव्यू है, समरी प्लस फॉर्मूलाज, जैसे स्टडी मेंटर है, आईसीआई मार्क्स एलोकेशन है, मोटिवेशन कोट्स है, कॉन्सेप्ट विद माई ओन एग्जाम्पल्स, एडिशनल क्वेश्चन रिलेटेड टू ओल्ड पीएम एंड एसके स्पेशल, वो भी मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बी वन स्टेप अहेड, एंड वन स्टेप अहेड रहेंगे तभी मार्क्स मिल पाएगा। मैजिक बुक आएगा बहुत जल्द, फिर रिवीजन सेशंस है, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, मैराथन। सो ऑल ऑफ दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड, एंड लास्ट में बोलते हैं ना, टेस्ट योरसेल्फ बिफोर आईसीएआई टेस्ट यू। सो उसके लिए फेज वाइज टेस्ट होंगे, एंड देन एक फुल सिलेबस टेस्ट। सो नाउ वी आर ऑल सेट, वी आर ऑल गियर्ड अप के बस चलो यार, अब तो पूरी तरह से अपनी जान झोंक देनी है इस सब्जेक्ट में, सो दैट वी गेट द आउटपुट। मतलब मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, अगर इसमें 80 ले आते हो, देन इन दैट केस बाकी तीन में 40-40 तो मैनेज कर ही लोगे। सो आई मीन ग्रुप वन का तो टेंशन आपको होना ही नहीं चाहिए, राइट? दैट इज द लेवल दैट वी नीड टू गो टू एंश्योर द बेस्ट फॉर ईच अदर। अब मैं आने वाला था और अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल ग्लोबल मार्केट्स, बिकॉज एक चीज याद रखना, यहाँ पे हर एक चीज कनेक्टेड है। क्या आपको लगता है, क्या इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम वर्ल्ड के ग्लोबल के फाइनेंशियल सिस्टम से कनेक्टेड है? मैं अब सुनो, अब मैं आप लोग के साथ बहुत सारा डिस्कशन करने वाला हूं। सो बोलते हैं ना, सीट की पेटी बांध लो और डिस्कशन के लिए रेडी रहो। इधर उधर का डिस्कशन नहीं, फाइनेंस का डिस्कशन। सर बट हमारे को तो फाइनेंस का नॉलेज है ही नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों को कुछ जनरल कॉमन सेंस के क्वेश्चन पूछूंगा। कॉमन सेंस तो है ना, हाँ, बस वो क्वेश्चन पूछूंगा, उसके जवाब देते रहना, एंड दैट्स इट, विल बी थ्रू। सो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से कनेक्टेड है या नहीं? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा। तुम लोगों ने सुना होगा ऐसा कुछ, एफआईआई ने इतना इन्वेस्ट किया, एफआईआई ने उतना इन्वेस्ट किया। ये एफआईआई कौन होता है भाई? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सो क्या इंडिया में या कोई भी, मैं बोलता हूं दुनिया का, आज की तारीख में इतना बड़ा ग्लोबलाइजेशन हो गया है, क्या हर एक फाइनेंशियल सिस्टम दूसरे फाइनेंशियल सिस्टम से इंटरकनेक्टेड है या नहीं? योर ऑब्वियस आंसर इज डेफिनेटली सर, इनफैक्ट एवरी कंट्री इज कनेक्टेड। गायत्री एम बोल रही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो इंडिया कहीं ना कहीं ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से कनेक्टेड है, एंड इन सब में सबसे बड़ा जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है, दैट इज ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां पे ये फाइनेंशियल मार्केट इज डेवलप्ड लेवल पे, अब डेवलपिंग कंट्री उसको अडॉप्ट कर रही है। सो से फॉर एग्जाम्पल, समथिंग लाइक अ डेरिवेटिव ट्रेडिंग अगर इंडिया में आज स्टार्ट हुआ है, सो अमेरिका में ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग आज से 15 साल पहले ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, समझ रहे हो? सो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट इज एट अ डेवलप्ड लेवल, वी आर स्टिल ऑन अ लर्निंग फेज। और एक कहावत है, वेन एवर अमेरिका स्नीजेस द होल वर्ल्ड सफर्स अ कोल्ड। क्या बात है, मतलब अगर अमेरिका ने छींक भी मारा ना, तो बाकी सबको जुकाम हो जाएगा, ऐसा है उसका दबदबा। सो इट इज अ वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूड इकोनॉमी, ट्रिलियंस का उसका जीडीपी है, एंड देन उसके बाद है चाइना, एंड देन वी हैव जापान। अब जैसा तुम लोग ने बोला कि इंडिया फाइनेंशियल मार्केट से कनेक्टेड है, तो अब उसी फाइनेंशियल मार्केट में एक मार्केट को मैं आप लोग के साथ कनेक्ट करना चाहूंगा, एंड दैट इज जापान। क्या आप लोग ने जापान के बारे में सुना है?
जस्ट टू टेल यू दैट जापान इज वर्ल्ड थर्ड मोस्ट वैल्यूड कंट्री इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, ठीक है ना, थर्ड मोस्ट वैल्यूड कंट्री, थर्ड मोस्ट वैल्यूड कंट्री इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, थर्ड मोस्ट वैल्यूड कंट्री। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, जापान थर्ड मोस्ट वैल्यूड कंट्री। मैं आपको एक एक चीज लिख के दूंगा, आपको उसके आगे का आंसर देना है। इन वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल इकोनॉमी, ऐसा सौम्या श्रीवास्तव बोल रही है और ऐसा ही सबको लगता है। मैं आपको खाली एक बात बोलता हूं, 1985 में या 1980s में मैं बोलूंगा, जापान का इकोनॉमी था $4.7 trillion। सुनो, अभी मैं ये सब नंबर्स लिखूंगा ना, ये अप्रोक्सीमेट होगा, ठीक है। सो ये 5.5 ट्रिलियन भी हो सकता है, 3.5 ट्रिलियन भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। सो एग्जैक्ट उस पर मत जाना, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ व्हाट आई एम गोइंग टू से। 1985, विच इज व्हाट, 50, अराउंड 35 ईयर्स बैक, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली 1980s में जापान का इकोनॉमी वॉज अप्रोक्सीमेटली 4.7 ट्रिलियन। टेल मी इन द ईयर 2023 और सो, आज की तारीख में, इन टुडेज सिनेरियो, व्हाट डू यू फील इज जापान्स इकोनॉमी वैल्यूड एट? दिस इज द वैल्यू ऑफ जापान्स इकोनॉमी इन द ईयर 1985, आज की तारीख में। एक गूगल वूगल मत करना, अपना कॉमन सेंस लगा के देखो, गूगल करके सब चीज मिल सकती है, बट फिर बाद में वो बोलते हैं ना, जो मैं कॉन्सेप्ट पे लेके जाना चाहता हूं ना, वो कहीं ना कहीं अपन नहीं पहुंच पाएंगे। सो इसके लिए प्लीज कनेक्टेड रहो और बोलते रहो अपने हिसाब से। और ये मेरे अप्रोक्सीमेशन नंबर्स हैं, सो गूगल पे आप एग्जैक्ट नंबर देखोगे तो फिर मिसगाइड हो जाओगे। गुड, एंड प्लीज एवरीबॉडी आंसर करो, तो ही कनेक्टेड रहोगे एंड फिर मजा आएगा समझने में। सो 1985 में, 1985 1990s में जापान का इकोनॉमी वाज अप्रोक्सीमेटली $4.7 trillion। आज 30 ईयर्स के बाद कितना होगा उसका इकोनॉमी? जुगल संघ भी बोलता है सर 25 to 30 trillion। फेयर फेयर। केतन गर्ग बोलता है 100+, तृप्ति जैन 100+, वीना वैनी सेज 30 trillion dollars में भी, गायत्री सेज 20 to 30, पल्लवी शर्मा ने बीच का लिया है 50, धनंजय उपाध्याय 20+ trillion, एंड सो ऑन। ऑब्वियसली सबके आंसर नहीं बढ़ूंगा, बट एक आंसर मैंने सबने कॉमन पाया, सब लोग बोल रहे हैं कि सर 25 ट्रिलियन तो है ही, डॉलर 25 ट्रिलियन तो है ही। अब मैं इधर मेरा आंसर लिख रहा हूं, एंड यू विल बी शॉक टू नो दैट इट इज, दैट इट इज स्टिल द सेम 4.7 ट्रिलियन। इसके लिए मैं बोल रहा हूं अप्रोक्सीमेटली, शायद अभी आज की तारीख में 6 ट्रिलियन है, बट कहने का मतलब क्या है समझ रहे हो तुम लोग? कहने का मतलब क्या है समझ रहे हो तुम लोग? 25 साल में जापान जो इतना इनोवेटिवली आगे है, इनोवेशंस की अगर मैं बात करूं ना, तो जापान से आगे और जापान से अच्छा इनोवेशंस कोई नहीं ला सकता है। बट स्टिल जस्ट इमेजिन, $4.7 trillion 30 ईयर्स बैक, एंड इट इज स्टिल एट 4.7 ट्रिलियन, एंड सबका रिएक्शन है व्हाट? कुछ लोगों का रिएक्शन है WT, यस सर, हाउ इज इट पॉसिबल? कि आप सुनना चाहोगे, मेरे को पता है, क्या आप समझना चाहोगे क्यों हुआ ऐसा? आई विल टेल यू, डोंट वरी, अभी मैं आपको पूरी बताऊंगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी बताऊंगा, बताऊंगा बताऊंगा सर। देन हाउ आर दे ग्रोइंग? दे आर नॉट ग्रोइंग बॉस, जापान इज इन अ स्टेट ऑफ स्टैग्नेशन। वर्ड सुना है? नहीं सुना है, कोई बात नहीं, आगे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आगे के लेक्चर्स में, बट इसको बोलते हैं स्टैग्नेशन बॉस। जहां 20 साल 25 साल पहले था, आज भी जापान वही है। क्या जापान के लोग हार्डवर्किंग नहीं है? आपसे और मेरे से ना 1.5 times to 2 times ज्यादा हार्डवर्किंग है। इंडिया में भी लोग हार्डवर्किंग है, जापान में अपने से 1.5 times ज्यादा है। क्या इनोवेशन नहीं किया है बॉस? इतना इनोवेशन किया है कि 1960 में उनके वहां पे बुलेट ट्रेन आ गई थी। 1960s में, 1968 या 1969 में उनके वहां पे बुलेट ट्रेन थी बॉस, समझ रहे हो? तो क्या लेवल का इनोवेशन वो लोग कर रहे हैं, इससे अपने को पता चलता है। इंडिया आज तक भी नहीं ला पाया, शायद 25-26 तक इंडिया में बुलेट ट्रेन फर्स्ट टाइम आएगी, विच इज व्हाट, 50 ईयर्स आफ्टर देम, राइट? बट स्टिल लुक एट दिस, बता रहा हूं बता रहा हूं बता रहा हूं। हाँ, वीना बोल रही है सर वहां पे ना बार बार कुछ नेचुरल कैलामिटी होता है, उससे कोई लेना देना ही नहीं है वीना, नेचुरल कैलामिटी से ये डॉलर 4.7 ट्रिलियन का लेना ही नहीं है। उनके जो नेचुरल कैलामिटी होती है ना,
वो लोग को पता है, और उसको वो लोग ने इतना स्मार्टली मैनेज किया हुआ है कि वहां पे अगर कोई अर्थक्वेक या कुछ भी नेचुरल कैलामिटी आया, 2 दिन में वो ठीक हो जाएगा। यस, 1940s में वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग, पूरा इंडस्ट्रियल हब का हिरोशिमा नागासाकी जापान का, उसको अमेरिका ने तहस नहस कर दिया, तबाह कर दिया, राइट। एंड स्टिल विद इन अ स्पैन ऑफ 5 ईयर्स जापान उठ गया, और ऐसा उसने तहलका मचा दिया पूरे वर्ल्ड में, दैट 1960s में इट केम आउट विद बुलेट ट्रेन्स, 1970s में इट केम आउट विद द मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। आज की तारीख में पूरी दुनिया को अगर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट को कैसे मैनेज करना है, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी कैसे लेकर आना है, दैट इज द पिलर, एंड दैट इज द पिलर मेंटेन बाय जापान इतने अच्छे लेवल पे है। बट स्टिल ये क्या देख रहे हैं अपन? सर आप बोल रहे हो नेचुरल कैलामिटीज का इशू नहीं है, उधर इशू है, बट वो लोग इतने अच्छे तरह से मैनेज कर चुके हैं ना कि उसकी वजह से उनको फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि अब उनको पता है कि अच्छा ऐसा हुआ, ओके वी विल मैनेज इट। हाईली इनोवेटिव पीपल, हाईली हार्डवर्किंग पीपल, 10 कदम आगे है दुनिया से इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग इन टेक्नोलॉजी। तो फिर सर क्या हो गया? ये बोलता है कि जापान 1980s में मैच्योरिटी, अरे कोई भी स्टेज पे हो, इतना बड़ा स्टैग्नेशन, एंड द रीजन इज ओनली वन, एंड दैट इज इनकरेक्ट फाइनेंशियल पॉलिसी बॉस, इनकरेक्ट फाइनेंशियल पॉलिसी। इसके लिए स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट आना बहुत जरूरी है। ये इनकरेक्ट फाइनेंशियल पॉलिसी की वजह से आज जापान की हालत आज भी ऐसी है, और ये इनकरेक्ट फाइनेंशियल पॉलिसीज कब लाए थे बताए वो लोग? इन द लेट 1980s। क्या आप सुनना चाहोगे इस इनकरेक्ट फाइनेंशियल पॉलिसी के बारे में? वीना बोल रही है सर उनका मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन हो गया होगा। अरे कैसे होगा मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन? जापान इज अ एक्सपोर्टर, जापान जो भी अपने प्रोडक्ट्स बनाता है वो दुनिया में एक्सपोर्ट करता है, तो अगर जापान एक्सपोर्ट तो करना बंद नहीं करेगा ना, वो दुनिया को तो सबको चाहिए ना। आप बोलोगे चलो जापान में कंजम्पशन हो गया उतना जितना चाहिए था, बट दुनिया को तो चाहिए ना कंजम्पशन, तो दुनिया को तो वो एक्सपोर्ट कर सकता है ना, बट उसके बाद भी जापान में ये हाल है, समझ रहे हो? व्हाई? ओनली बिकॉज ऑफ फ्यू इनकरेक्ट बोलते हैं ना फाइनेंशियल डिसीजंस दैट दे टुक इन द लेट 1980s। एक बहुत फेमस प्लाजा अकॉर्ड करके एक मीटिंग है, एंड दैट इज वेयर द होल बोलते ना डिस्ट्रक्शन बिगैन। सर आई हैव हर्ड दैट दे आर इन अ डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप में फ्रेंकली स्पीकिंग चाइना है, इनका कहानी सुनो। तो वो फिर सही फाइनेंशियल पॉलिसी क्यों नहीं लाते? क्योंकि वीना उन्होंने संकल्प सर को नहीं बुलाया अभी तक अपनी फाइनेंशियल पॉलिसी फ्रेम करने के लिए। उनको बोलो सर आप बुलाए तो हम करेंगे बराबर से उनके लिए। इट्स नॉट दैट इजी, राइट? इजियर सेड देन डन। ऑब्वियसली कोई भी चाहेगा वो करना, बट कुछ आपकी गलतियां ऐसी होती है ना जिनको आपको ठीक करने के लिए सालों लग जाते हैं, एंड अभी फिलहाल अभी तक जापान वो ही फेस कर रहा है। अब सुनो क्या हुआ था, 5 मिनट में आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना, शॉर्ट में बताऊंगा। इसका डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग है ना अपन लोग शायद फॉरेक्स डेरिवेटिव चैप्टर में करेंगे, फॉरेक्स के टाइम पे मैं और भी चीजों को बताऊंगा, बट अभी मुझे खाली आपको एक आज आज के सेशन से मुझे आपको खाली ये बताना है कि फाइनेंशियल पॉलिसीज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंडिया का भी फाइनेंशियल पॉलिसी जिसको अपन मॉनिटरी पॉलिसी बोलते हैं, जो आपको शायद नहीं पता है क्या है, बट वो मैं आपको बताऊंगा कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिकॉज अपने को लगता है कि बस जाओ भाई फॉर्मूला रटो, फॉर्मूला लिख कर आओ, हो गया, बट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ CFO, यू शुड नो व्हाट इज द फाइनेंशियल पॉलिसीज, व्हाट आर द मॉनिटरी पॉलिसीज, बिकॉज इससे आपके पूरे इकोनॉमी पे अफेक्ट होने वाला है, समझ रहे हो? तो वो पहले समझे तो सही क्या अफेक्ट होने वाला है, दिखाओ जरा, आओ दिखाता हूं मैं आपको, लेट्स सी। चलो अब हुआ क्या, देखो इधर 1970s में जापान के साथ, ध्यान से सुना, 1970s में है ना जो जापान है ऑयल इंपोर्ट करता है। जापान क्या करता है? ऑयल इंपोर्ट करता है। जापान ऑयल इंपोर्ट करता है। अब ये इंपोर्ट करने की वजह से 1970s में हुआ क्या कि क्रूड ऑयल का प्राइस $2 से, अभी मैं बोल रहा हूं अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं, $2 से बढ़कर हो गया $11, $2 से बढ़कर हो गया $11। So, अब मेरे को बताओ कि जापान पे इसका अफेक्ट पड़ेगा क्या? जापान 90% ऑयल इंपोर्ट करता है, 99% मैं बोलूंगा 95% जापान का ऑयल इंपोर्ट होता है। अब अगर ये ऑयल इंपोर्ट हो रहा है और
आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए तो ऑयल का रिक्वायरमेंट्स होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑयल का रिक्वायरमेंट होता है। अब आप अगर क्रूड ऑयल $2 की जगह पे $11 में अगर आपका इंपोर्ट हो रहा है, देन इन दैट केस कैन आई से आपका सब जो भी कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, हाँ कि ना? यस एवरीबॉडी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बहुत सारी अपने जो भी इंटरनल कॉस्ट है वो बढ़ेंगे। एवरीबॉडी अग्रीज टू दिस और नॉट? अग्रीड सर। अब हुआ क्या, जापान ने देखा कि यार कॉस्ट बहुत बढ़ गया है। अब जापान इज ऑल्सो अ एक्सपोर्टर, जापान इज ऑल्सो अ एक्सपोर्टर, वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग यूएसए, इंक्लूडिंग यूएस, इंडिया भी काफी सारा इंपोर्ट करता है जापान से। सो जापान एक एक्सपोर्टर है। अब जापान का इंटरनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, मानते हो कि नहीं? क्यों बढ़ गया है जापान का इंटरनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? कैन आई से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल का भाव बढ़ गया मार्केट में, उसकी वजह से जापान का इंटरनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन गया, बढ़ गया। ओके यस सर, बिल्कुल यू आर राइट। सो अब ये इंटरनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से, जापान का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से एक्सपोर्ट कॉस्ट बढ़ गया, ठीक है? तो आज से फॉर एग्जाम्पल जापान से यूएसए में कोई चीज को $10 में एक्सपोर्ट करता था, ठीक है? तो अब जापान सेम यूएसए में ये सेम $10 की जगह पे से $20 में एक्सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि पहले जापान को ये पड़ता था $8 में, अब उसको पड़ेगा ये $16 में। क्यों? क्योंकि डबल हो गया कॉस्ट, इनफैक्ट डबल से तो ज्यादा ही हुआ है। यहाँ पे आप लोग क्रूड ऑयल का प्राइस देखोगे तो डबल से तो ज्यादा ही हुआ है, बट फिर भी मैं बोलता हूं डबल हो गया। अब इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ते गया, इसकी वजह से क्या हो गया? इसकी वजह से हो गया इन्फ्लेशन, इसकी वजह से हो गया इन्फ्लेशन, ह्यूज लेवल ऑफ इन्फ्लेशन आ गया जापान में, ठीक है? अब इन्फ्लेशन आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से मेरे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे या कम होंगे? आप लोग मेरे को बताओगे फटाफट, बी वेरी एक्टिव। मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो इंटरनली मैं जो पहले कम में बना रहा था, मेरे को ज्यादा कॉस्ट लग रहा है क्योंकि ऑयल का कॉस्ट बढ़ गया, तो उसकी वजह से मेरे स्पाइरलिंग इफेक्ट आया मेरे सब कॉस्ट के ऊपर। तो अब मैं जो एक्सपोर्ट कर रहा हूं उससे मेरा एक्सपोर्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो उससे मेरा एक्सपोर्ट बढ़ेगा कि कम होगा? ऑब्वियसली एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक बोलेगा भाई मैं तेरे पास से क्यों लूँ। यूएसए बोलेगा भाई पहले तेरे पास से मुझे $8 में मिलता था, अब तेरे पास से मुझे $20-25 में मिल रहा है, तो मैं इतना महंगा क्यों लूँ? मैं फिर किसी और को ढूंढता हूँ, मैं चाइना से ले लेता हूँ, चाइना कम में मेरे को बेच देगा। तो ऑब्वियसली नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर अ इकोनॉमी। सो उन्होंने इसको मैनेज करने के लिए क्या किया, उन्होंने, अरे सुन रहे हो ना, समझ रहे हो ना सब लोग? हाँ, ऑब्वियसली अब उन्होंने इसको मैनेज करने के लिए क्या किया, उनका 5% का से फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट्स था, ठीक है? इंटरेस्ट बोरोइंग रेट्स था। मार्केट में आपको अगर पैसा चाहिए, लोन चाहिए, लोन चाहिए, अगर आपको एज अ बिजनेसमैन लोन चाहिए, तो आप 5% इंटरेस्ट रेट था, जैसे अपने यहाँ पे भी होता है ना कि आपको लोन चाहिए 10% पे आपको ब्याज मिलेगा, वो इन्होंने रिड्यूस कर दिया। वो कौन करता है? इंडिया में आरबीआई पॉलिसी की वजह से होता है वो मैनेज। मालूम है ना, आरबीआई पॉलिसी डिसाइड करता है कि भाई कितना रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा, बट एज ऑफ अ बेसिक चीज 5% के इंटरेस्ट रेट पे चीजें हो रही थी। अब क्या करेगा जापान गवर्नमेंट, क्या करेगा आपके हिसाब से? आप बताओ, आज की तारीख में 5% का इंटरेस्ट रेट है, अब जापान गवर्नमेंट क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा या इंटरेस्ट रेट को कम करेगा? ऑलरेडी कॉस्ट बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, समझ रहे हो तुम लोग? समझ रहे हो, करेक्ट। सो अब जापान गवर्नमेंट, आपके हिसाब से जापान गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सी वो लोग क्या करेंगे बताए क्या? वो लोग ने क्या किया वो मैं बताता हूं। वो लोग ने ये इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दिया, वो लोग ने ये इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दिया। एंड कितना रिड्यूस किया पता है? उन्होंने इसको रिड्यूस कर दिया अप्रोक्सीमेटली 1%, आइडियली 5 से 2.5 ऐसा हुआ था, बट उन्होंने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया। कितना कर दिया? 1%। क्यों? कैन आई से अब जब मैं एज अ बिजनेस, मेरे ऑलरेडी बाकी कॉस्ट बढ़ रहे हैं, तो अब मेरा जो इंटरेस्ट का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, तो एटलीस्ट उतना मैनेज हो जाएगा। भाई क्या था, पहले मेरा 5% का कॉस्ट था और बाकी मेरे अदर कॉस्ट थे, अब मेरे ये अदर कॉस्ट बढ़ गए हैं, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट बोलता है ठीक है ना, चलो हम तुम्हारा इंटरेस्ट कॉस्ट तो कम कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट कॉस्ट को कम कर दिया। उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट कॉस्ट को कम कर दिया। सो व्हाट डिड दे डू? दे प्रोवाइडेड लोन एट अ वेरी वेरी लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1%।
अब इसकी वजह से क्या हुआ, ध्यान से समझना, ये इंटरेस्ट अब 1% हो गया है। अब ये इंटरेस्ट 1% होने की वजह से हुआ क्या, ध्यान से सुनना, ये इंटरेस्ट 1%, उन्होंने ये इंटरेस्ट 1% क्यों किया, लॉजिक बताओ मेरे को उसके पीछे। उन्होंने ये सोचा कि सर अगर आपको अभी लोन चाहिए तो आप कम पैसे पे इंटरेस्ट, कम उस पे लोन ले लो, बिजनेस अच्छा करो ताकि आप एक्सपोर्ट कर पाओ, क्योंकि अभी अदरवाइज एक्सपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ा हुआ है और बाकी ये भी कॉस्ट बढ़ेंगे तो अपने लिए प्रॉब्लम है। ये सोच के उन्होंने इंटरेस्ट कॉस्ट को कम कर दिया। अब ये बैकफायर कर दिया कैसे, ध्यान से सुनो, इंटरेस्ट पे चीजें कम में मिलना चालू हो गया। सो पब्लिक ने क्या किया पता है क्या, पब्लिक ने, से फॉर एग्जाम्पल संकल्प है और आप लोग जैसे और मेरे साथ 5 लोग हैं, से फॉर एग्जाम्पल मेरे 5 स्टूडेंट्स हैं, हम लोग ने ये चीज नोट की कि यार भाई सस्ते में मिल रहा है लोन, लोन सस्ते में मिल रहा है, कितने में मिल रहा है, 1% पे मिल रहा है लोन। सो मैंने क्या किया, मैंने लोन लेना चालू कर दिया और मैंने उसको इन्वेस्ट करना चालू कर दिया रियल एस्टेट में, मैंने उसको इन्वेस्ट करना चालू कर दिया कहां पे, रियल एस्टेट में, क्योंकि लोन तो लोन है, अब मैं लोन मेरे बिजनेस में ला लेके मैं मेरे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा हूं। सो यहां पे उन्होंने 1985 तक या 1990 तक भी, मैं आपको बोलता हूं, जापान का, टोक्यो का रियल एस्टेट पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट मार्केट था, मोस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट मार्केट, मतलब उसमें अगर आप 10 रुपया लगाओगे ना आपको 100 रुपया मिलेगा, आप 100 रुपया लगाओगे ना आपको 1000 रुपया मिलेगा, उस लेवल का ग्रोथ था जापान के रियल एस्टेट मार्केट में। अब वो था ही ऑलरेडी और अब ये इंटरेस्ट कम पे मिल गया। अब इंटरेस्ट कम पे मिलेगा तो आप मुझे बताओ, लोन इजिली मिलेगा तो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, तो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे तो कहना इसे रियल एस्टेट का डिमांड बढ़ेगा, तो अब अगर रियल एस्टेट का डिमांड बढ़ेगा तो कहना इसे उसका प्राइस भी बढ़ते जाएगा। समझ रहे हो क्या तुम लोग कि भारी हो गया थोड़ा भाई, समझ रहे हो क्या तुम लोग, ठीक है। सो उन्होंने, उनका इंटेंशन था कि हम बिजनेस को लोन कम में प्रोवाइड करें ताकि वो बिजनेस ढंग से करे, एक्सपोर्ट बढ़ाए, बट यहां पे तो गेम थोड़ा उल्टा हो गया, पब्लिक ने इन्वेस्ट करना चालू कर दिया रियल एस्टेट में, जिसकी वजह से, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मिस्टर संकल्प है, मिस्टर संकल्प ने 10 लाख का रियल एस्टेट प्रॉपर्टी लिया। अब आप लोगों को पता होगा कि ये रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में अपने को, कहना इससे 80% भी मेरे को तो लोन मिल जाएगा, ठीक है। सो बैंक ने मेरे को 8 लाख रुपए का लोन दे दिया, ठीक है, मेरा प्रॉपर्टी जो मैंने खरीदा 10 लाख का। अब ये प्रॉपर्टी तो राइजिंग स्टेज पे, क्योंकि और भी लोग लेते जा रहे हैं लोन, और भी लोग लेते जा रहे हैं, तो यहां पे क्या हुआ, मेरे ये प्रॉपर्टी का वैल्यू 10 लाख से बढ़ के 20 लाख हो गया, समझ रहे हो, क्योंकि और भी लोग रियल एस्टेट परचेज करते जा रहे हैं तो वैल्यू प्रॉपर्टी का बढ़ते जाएगा। तो मैंने तो 8 लाख में ये लोन लेके 10 लाख में ये प्रॉपर्टी ले लिया, उसका वैल्यू 20 लाख हो गया। अब मुझे लग रहा है यार ये तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख का 20 लाख हो गया, क्यों ना मैं और लोन लेके री इन्वेस्ट कर दूं और थोड़ा पैसा, सो दैट मेरे को और पैसा और मेरा रियल एस्टेट का वैल्यू बढ़ जाएगा। सो व्हाट आई डिड वाज कि ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा यहाँ पे वैल्यूएशन आया ना, ये मेरा 10 लाख की चीज का अभी 20 लाख हो गया, तो यहाँ पे कहना ही से मेरा वैल्यूएशन और 10 लाख से बढ़ गया, इसके बेसिस पे मैंने और थोड़ा लोन लेना चालू कर दिया इन माई फैमिली फ्रेंड्स नेम, इन माई रिलेटिव नेम, तो मैंने और लोन लिया और मैंने और लोन लेके और मेरे पास रियल एस्टेट जमा हो गया। बट 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 अब क्या हो जाएगा, अब होगा क्या, नाउ कम्स द जापान एसेट बबल, अब आता है जापान एसेट बबल, अब लोगों ने लेना चालू कर दिया बहुत सारा लेवल पे। सो यहां पे अब जो मैंने प्रॉपर्टी लिया था 10 लाख का, याद है आपको मेरा ये रियल एस्टेट का वैल्यू 10 लाख का लिया था मैंने, अब ये मेरा प्रॉपर्टी हो गया है अप्रोक्सीमेटली से 40 लाख का, एंड आई एम रियली हैप्पी, थिंग्स आर गोइंग वेरी गुड। अब होता क्या है, गवर्नमेंट को रियलाइज होता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, हम लोग ने पैसा किसके लिए दिया था कि पब्लिक उसको बिजनेस के लिए यूज करे और बिजनेस फ्लरिश हो, बट यहां पे तो पब्लिक ने पैसा लेके उसको रियल एस्टेट में डाल दिया और रियल एस्टेट का प्राइसिंग बढ़ गया। इमीजिएटली गवर्नमेंट ने वो जो 1% था ना उसको वापस से इंक्रीज करके से 5% कर दिया। गवर्नमेंट को रियलाइज हो गया, ओ भाई ये तो बिजनेस के लिए यूज ना होके कहीं और हो रहा है। सो इसकी वजह से वो लोग ने वापस से इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कहना ही से जो रियल एस्टेट का जो इतना डिमांड आ रहा था वो कम हो जाएगा, एंड देन दिस वैल्यू स्टार्टेड डिक्रीजिंग, दिस वैल्यू स्टार्टेड डिक्रीजिंग, और पब्लिक ने क्या किया था, लोन पे लिया था मॉर्गेज करके,
तो अब आप वो मॉर्गेज रिटर्न कर दोगे, आप बोलोगे कि नहीं अभी हमारे को यार पैसा देने के लिए है नहीं, क्योंकि मुझे तो लगा कि ये 10 लाख का 40 लाख हो गया है। अब मेरा जो वैल्यू ऑफ रियल एस्टेट है वो वैल्यू ऑफ रियल एस्टेट 40 लाख से गिरकर 20 लाख हो गया, और ये देखते ही देखते 20 लाख से गिर के 8 लाख 5 लाख तक हो गया। एंड पब्लिक जापान बैंक को लोन रीपे नहीं कर पाया, सो जापान बैंक लोन वॉज नॉट रीपेड, एंड दैट इज वेयर देयर वॉज अ बिग हैवॉक। मेरे को जो लग रहा है मेरा वैल्यू है प्रॉपर्टी का 40 लाख, अब वो अचानक से हो गया 8 लाख, कैन आई से पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा, एंड डेफिनेटली इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। आज भी इतना बड़ा इंपैक्ट था वो, क्योंकि आप सोचो ना आपका 1/5 हो गया है, रातों रात आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू 1/5 हो गया है, आप जापान बैंक को लोन रीपे नहीं कर पा रहे हो, तो जापान बैंक इज इनटू अ बिग डेट। एट द सेम टाइम आपकी जो जनता है, जो पब्लिक है, उसके पास जो प्रॉपर्टीज है उसका वैल्यू एकदम डाउन हो गया है, एंड जापान वॉज इन अ टर्मोइल, और इतना बुरा हालत हो गया उसका दैट इट वॉज स्टिल नाउ नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। उसके बाद में यूएस का रिसेशन आया बीच में, उसके बाद में ये यूक्रेन रशिया का वॉर आया, जापान आज तक ये सब चीज से रिवाइव नहीं कर पा रहा है। आज भी उसका जो रियल एस्टेट बबल है वो इट इज स्टिल इंपैक्ट इन बिट्स एंड पार्ट्स, रिजल्टिंग इन क्रिएशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, समझ रहे हो। और अब उन्होंने क्या किया, अचानक से ये 1% से 5% कर दिया, अब आप वापस से 5% से 1% तो कर नहीं सकते, वापस से वो गलती तो आप करोगे नहीं। सो उनको इतना सिस्टमैटिकली धीरे धीरे करके रेट्स को मैनेज करना पड़ रहा है दैट स्टिल दे आर एट अ स्टैग्नेशन लेवल ऑफ 4.7 ट्रिलियन। समझ में आया कि आपको यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है मॉनिटरी पॉलिसीज को प्रॉपरली फ्रेम करना, बोलो येस और नो। इसको कहते हैं द ग्रेट जापान एसेट बबल। सो आइडियली जापान हर सही चीज कर रहा था एक्सेप्ट वन थिंग, एंड दैट इज उनकी इनकरेक्ट फाइनेंशियल पॉलिसी, जिसकी वजह से इंपैक्ट देखो। अब इसको और डिटेल में मैं बता सकता हूं, बट दैट विल टेक अ गुड लॉट ऑफ टाइम, जो अपन शायद करेंगे आगे फॉरेक्स के या कोई और चैप्टर में। बट तुम लोगों को मोटा मोटा समझ में आया क्या हुआ, रियल एस्टेट बबल, रियल एस्टेट प्राइजेस केप्ट ऑन शूटिंग अप बिकॉज पब्लिक के पास इजिली फंड अवेलेबल होने लगे ना। अब सोचो ना 1% पे लोन मिल रहा है और लोन रिपे नहीं किया तो क्या करेगा बैंक, ज्यादा मॉर्गेज जो भी मॉर्गेज पे रखा है उसको ले लो ना, नहीं देने का है बैंक का लोन। सो इसकी वजह से क्या हुआ, बैंक के पास इतना सारा मॉर्गेज प्रॉपर्टी आ जाएगा, बैंक करेगा क्या उस प्रॉपर्टी का। सो द होल रियल एस्टेट मार्केट क्रैश्ड, पब्लिक ने बैंक को लोन रिपे नहीं किया, खत्म, द इकोनॉमी वॉज इन ट्रैशेस। मतलब ऑब्वियसली एकदम डाउन नहीं हुआ, बट देर वर फेजेस जब जापान ने नेगेटिव जीडीपी रिकॉर्ड किया है, एंड दैट इज वेयर क्रिएटेड द बिगेस्ट इशू। ये एक चीज आप लोगों को बताई मैंने, ये एक एक एग्जाम्पल बताया आपको कि मॉनिटरी पॉलिसी कितना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, यस करेक्ट, सप्लाई एंड डिमांड का गेम है एंड ऑफ द डे। तो यहाँ पे अब सप्लाई इंक्रीज हो गई, डिमांड तो है ही नहीं, डिमांड तो है ही नहीं। सर उनको सिर्फ ऑयल प्राइस में ही कुछ पॉलिसी लाना चाहिए था, अब बोल सकते हैं ना अपन भी ना, अपने को थोड़ी पता था तभी कि अपन तो जनरल पॉलिसी लिया है इंटरेस्ट रेट एट 1%। मैं तो बोलता हूँ अब उनको लाना चाहिए था कि भाई तुम स्पेसिफिक बिजनेस के लिए लाए थे तो बिजनेस के लिए रखते कि भाई यू हैव टू यूज दिस लोन ओनली फॉर बिजनेस, वैसा कुछ करते तो शायद ये नहीं होता। बट ये सब उनको पता चला तब तक, बोलते ना इट वॉज टू लेट, इट वॉज टू लेट टिल द टाइम थिंग्स वर अ मेस, एंड ऐसा मेस कि 30 ईयर्स तक बोलो को वो चीज बर्डन सहना पड़ा, कांट हेल्प। सेकेंड एग्जाम्पल क्या आप लोग सुनना चाहोगे, सेकेंड एग्जाम्पल, अगेन आई एम टेलिंग यू, ये इसमें और भी बहुत सारी डिटेल चीजें हैं, बट ऑब्वियसली फर्स्ट डे पे आप लोगों में इतना ओवर बर्डन नहीं करना चाहता हूँ फाइनेंशियल पॉलिसी के आप लोगों को वो बाउंसर जाए, बट इतना समझ में आया आपको लॉजिकली डिमांड सप्लाई मॉनिटरी पॉलिसीज फाइनेंशियल पॉलिसीज के इफेक्ट का रीजन ऑल ऑफ दैट। सेकेंड सेकेंड अब लोग मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, एंड दैट इज रिलेटिंग टू अ प्लेस कंट्री कॉल्ड जिम्बाब्वे। आप लोग और मैंने, मैं मेरी भी बात करता हूं, अपन लोग को जब से दिमाग आया है जिम्बाब्वे को अपन लोग कैसे टाइप की कंट्री समझते हैं, मतलब हाई लेवल एकदम, जैसे यूएसए को अपन कैसे मानते हैं, सुपर पावर है भाई यूएसए, जिम्बाब्वे को अपन लोग कैसा गिनते हैं, आप और मैं दोनों बताओ, सोच समझ के बताओ कि आप और मैं जिम्बाब्वे को कैसा गिनते हैं, जेन्युइनली बोलना, एकदम जेन्युइनली बोलना, कोई प्रॉब्लम नहीं। करेक्ट, एकदम लो लेवल में गिनते हैं, एकदम अंडर डेवलप्ड गिनते हैं,
मानते हो, सब लोग मानते हो इस बात को, या अपन लोग तो सर एकदम मतलब उसको तुच्छ वर्ड यूज नहीं करना चाहिए बट वैसा ही गिनता है. यू विल नॉट बिलीव, 1985 जिम्बाब्वे डॉलर वॉज हायर देन यूएस डॉलर. इन द ईयर 2010 जिम्बाब्वे ने अपना करेंसी बंद करके बोला, भाई जो भी है हमारा यूएस डॉलर ही हमारा बाप है और यूएस डॉलर ही हमारा भगवान है. जस्ट इमेजिन ऐसा हुआ, जस्ट इमेजिन. 1985 जिम्बाब्वे डॉलर वॉज हायर देन यूएस डॉलर. बेटर डेवलप्ड कंट्रीज में से एक गिनाता था कि हाँ भाई अफ्रीका में एक डेवलप्ड कंट्री अगर नाम दो ना तो जिम्बाब्वे का नाम आता था. मैं और आप सोच भी नहीं सकते ना, अपन लोग ने तो जब से सुना है जिम्बाब्वे को एक लो उसमें देखा है, सो वी हैव नॉट सीन दैट. अब सुनो क्या हुआ 1985 के बाद, 1990s में एक्चुअली हुआ क्या, जिम्बाब्वे वॉज गोइंग थ्रू टू क्राइसिस. एक उनको बहुत ज्यादा उनका जो जनता है उनमें हेल्थ क्राइसिस हुआ एंड देयर वॉज फूड क्राइसिस. सो देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड हंगर अमंग लॉट ऑफ पीपल. अब फूड क्राइसिस की वजह से हंगर हुआ, हंगर की वजह से हेल्थ क्राइसिस हो गया. ऑब्वियसली ऑल ऑफ दिस इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी. तो जिम्बाब्वे को बहुत बड़ा इशू होने लगा. उन्होंने क्या किया, ये इशू को मैनेज करने के लिए यूएसए से डेट लिया, पैसा मांगा. उन्होंने बोला कि भाई यूएसए हमारे को थोड़ा लोन दे दे, हमारे को थोड़ा लोन दे दे, हमारे को थोड़ा डेट दे दे ताकि हम लोग इस चीज को मैनेज कर पाए. तो यूएसए ने बोला ठीक है नो प्रॉब्लम, हमारे पास बहुत पैसा है, हम तुम्हारे को लोन देते हैं. तो यूएसए ने उनको डेट दिया, यूएसए ने उनको डेट दिया, यूएसए ने उनको लोन दिया, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है. अब जिम्बाब्वे ने क्या किया, जिम्बाब्वे ने बोला कि भाई देख अब हमारे पास तो बहुत सारा डेट आ गया है, अब हमारे पास तो बहुत सारा लोन आ गया है, अब इसको रीपे करना पड़ेगा. तो लोन रीपे कैसे करेंगे, अपने पैसे से, बराबर है. तो जिम्बाब्वे ने क्या चालू किया पता है क्या, दे स्टार्टेड प्रिंटिंग अनलिमिटेड करेंसी. दे स्टार्टेड प्रिंटिंग अनलिमिटेड करेंसी, बोलो नॉन स्टॉप करेंसी वो लोग ने प्रिंट करना चालू कर दिया. अब इससे हुआ क्या, बहुत स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगा अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट करने से. द पीपल ऑफ जिम्बाब्वे वर वेरी हैप्पी, उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया. जब आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा तो आप खुश होगे कि नहीं, सीधी सी बात है. और भी उनका जो इकोनॉमी है उसको लगा कि चलो भाई इतना सारा करेंसी आ गया है, अब हम लोग यूएस को उसका डेट जो है वो चुका देते हैं. तो उनको लगा चलो हम इससे अब हमारा डेट भी चुका देंगे. बट अनलिमिटेड प्रिंटिंग ऑफ करेंसी की वजह से लोगों के पास बहुत पैसा आ गया. लोगों के पास बहुत पैसा आने की वजह से लोग बहुत अमाप शनाप खर्चा करने लगे और इसकी वजह से द कॉस्ट एंड द प्राइस ऑफ द गुड स्टार्टेड इंक्रीजिंग ट्रिमेंडसली, सच दैट 1990s में या 2000 अर्ली 2000 में एक दिन आया जब 1200% का इन्फ्लेशन फेस करना पड़ा जिम्बाब्वे को. ऑन एन एवरेज 5 से 6% के ऊपर अगर इन्फ्लेशन जाता है ना, देन इन दैट केस द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री विल बोलेगा कि भाई ये क्या हो गया, 6% मैक्सिमम, 6 से 8% का इन्फ्लेशन जा सकता है, उसके बियॉन्ड गया, देन इन दैट केस समझ लो आपके इकोनॉमिक इश्यूज आने वाले आपकी पूरी कंट्री में. दिस कंट्री इज फेसिंग 1200% इन्फ्लेशन. क्यों, अनाप शनाप पैसा आ गया और वो इमीजिएटली पता नहीं चलता है. जैसे जापान गवर्नमेंट को भी इमीजिएटली पता नहीं चला तो आपको तो लगा अरे अच्छा है सबके पास पैसा आ गया सब लोग खुश. बट ये जब सब लोग के पास पैसा आ जाता है तो उस पैसे का वैल्यू कम हो जाता है, ये जिम्बाब्वे गवर्नमेंट रियलाइज करना भूल गया. तो आपको जो पहले 100 रुपए में मिलता था अब वो सेम चीज के लिए आपको 5,000 देना पड़ेगा. दिस इज वॉट इन्फ्लेशन डज टू यू. एक टाइम आया जब इन्फ्लेशन का रेट कितना था पता है, 3 लाख%. खुद का तो नहीं बोल सकता हूं मैं, आज की तारीख में तो सब चीज अवेलेबल है. 3 लाख% इन्फ्लेशन, मतलब ऐसा था कि एवरी 3 लाख% पर एनम, मतलब एवरी डे आपके प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज आर डबलिंग, प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज आर डबलिंग. तो पब्लिक कुछ खरीद ही नहीं पाएगा. और एक दिन ऐसा आया जब जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने एक मिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर का करेंसी प्रिंट किया. एक दिन ऐसा आया जब 1 बिलियन डॉलर का करेंसी प्रिंट किया. एक दिन ऐसा आया जब जिम्बाब्वे ने 1 ट्रिलियन डॉलर का करेंसी प्रिंट किया. और एक दिन ऐसा आया जब उनको ब्रेड लेने के लिए 1 बिलियन डॉलर लगने लगा. इसकी वजह से उन्होंने 1 ट्रिलियन डॉलर
प्रिंट किया एंड दे रियलाइज दैट दे आर नाउ इन अ मेस. और फिर बाद में लेट 2000s में उन्होंने बोला वी आर डिसकंटिन्यूइंग आर ओन करेंसी. और जिम्बाब्वे ने अपना करेंसी डिसकंटिन्यू कर दिया और उन्होंने बोला आज से हमारे देश में यूएस डॉलर विल बी द नॉर्मल करेंसी. ये ऐफा क्यों क्यों सब लोग यूएस डॉलर को ही अपना बेस करेंसी मानते हैं. इंडिया भी आज की तारीख में, इंडिया में कभी मैंने ये नहीं सुना है कि जापान के करेंसी के साथ इंडिया का क्या कनेक्शन है. नहीं, सब अपन लोग क्या बोलते हैं यूएस डॉलर में कि इंडिया का डॉलर रेट कितना है 85, डॉलर रेट पहले कितना था 70, अपन लोग डॉलर के टर्म्स में बात करते हैं. क्यों आपको पता है, मैं आपको बताऊंगा जब अपन फॉरेक्स पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा है कि पूरी दुनिया यूएस डॉलर को अपना बेस मानती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स करेंसी. वेट एंड वॉच. बट अब ऐसा कुछ हो गया किसके साथ, जिम्बाब्वे के साथ. कैन आई से अ सेकेंड कंट्री विच वॉज सो फ्लरिश्ड बट उसके साथ भी कैन आई से इनकरेक्ट मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल पॉलिसी की वजह से ये सब हुआ है. तो क्या आप एक बात मानते हो कि जो भी कंट्री है उसका फाइनेंशियल मॉनिटरी पॉलिसी का फाइनेंशियल मार्केट पे इंपैक्ट पड़ता है, उसका फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर ऐसा इंपैक्ट पड़ता है कि आपकी कंट्री पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसका ऐसा इंपैक्ट पड़ता है कि आपकी कंट्री का GDP 30 साल तक बढ़ने का नाम नहीं लेता है. कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को कि थोड़ा भारी जा रहा है फर्स्ट डे के हिसाब से, कि लग रहा है कि नहीं सर अब रियल फील आ रहा है कि क्या होता है पूरे वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस में. क्या बोलते हो बोलो. यस, इट सफर्ड ह्यूज इन्फ्लेशन, ऐसा इन्फ्लेशन की बोल नहीं सकते. केतन गर्ग बोल रहे हैं सर यूएस डॉलर में सब ट्रेड होती है इसके लिए, ऐसा नहीं है. आई टेल यू द रीजन, डोंट वरी, स्मूथ चल रहा है, मजा आ रहा है, समझ रहा है, ग्रेट. एवरीबॉडी प्लीज कीप ऑन कमेंटिंग सो दैट मुझे पता चलता रहे भाई, ऐसा ना हो मैं यहां तुम यहां. चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो क्या आप ये बात मानते हो, अगेन आई एम टेलिंग यू, इसमें भी और डिटेल डिस्कशन हो सकता है अपना कि और क्या क्या हुआ था और क्या क्या पॉलिसीज थी, बट मैं बोला कि अभी एकदम डिटेल डिस्कशन करूं उतना आप लोग के, आप लोग को आइडिया भी नहीं है उतने टर्म्स का, तो धीरे धीरे वो करेंगे. बट आप लोग को आइडिया आ रहा है ना क्या होता है. दिस इज वेयर जिम्बाब्वे गवर्नमेंट गूफ्ड अप एंड आज तक अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाए हैं. कह रहा इसे आप लोग एक चीज तो समझ गए कि सर मॉनिटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मतलब एक मॉनिटरी पॉलिसी जापान, एक मॉनिटरी पॉलिसी जिम्बाब्वे, सर गड़बड़ हो गई ना, तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई सर, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई. मानते हो कि नहीं? यस, वेनेजुएला ने भी सेम इन्फ्लेशन फेस किया. अब मैं आप लोग के साथ क्या थोड़ा सा टाइम लेके, थोड़ा फर्स्ट डे के हिसाब से हाई फाई हो जाएगा, बट मैं डिस्कस करूं कि कैसे इन्फ्लेशन, मॉनिटरी पॉलिसी का, आरबीआई का इंटरेस्ट रेट्स अफेक्ट्स द इक्विटी मार्केट्स, अफेक्ट्स द गोल्ड मार्केट, अफेक्ट्स द क्रूड मार्केट्स एंड अफेक्ट्स द बॉन्ड मार्केट्स. क्योंकि अपन को ये सब चैप्टर तो पढ़ने ही है. क्या मैं आप लोग के साथ वो डिस्कस कर सकता हूँ विद योर परमिशन, अगर आप लोगों को लगता है कि यस सर मजा आएगा. और मैं एकदम हाई लेवल पे नहीं जाऊंगा, बेसिक लेवल रखूंगा जहां पे मैंने यहाँ पे देखा आप लोगों को और बताया और उधर रखे छोड़ दिया, फिर आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब जब जहां पे वो यूज आएगा. यस, मनी के डिमांड सप्लाई पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है. तो चलो अब थोड़ा आप समझने की कोशिश करते हैं अपन लोग कि कैसे सब चीजें कनेक्टेड होती है, कैसे सब चीजें कनेक्टेड होती है. अब सुनो ध्यान से, चलो. सो एक कैन आई से मैं एक कॉमन बेस इन्फ्लेशन को लेता हूं, मैं एक कॉमन बेस इन्फ्लेशन को लेता हूं, ठीक है. इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, चलो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है. जापान में भी अपन लोग ने देखा कि इन्फ्लेशन होने लगा और इसके लिए वो लोग हड़बड़ा गए और मॉनिटरी पॉलिसीज कभी ऊपर कभी नीचे एंड इट रिजल्टेड इन टू अ डिजास्टर. यहाँ पे भी अपन लोग ने देखा कि भाई कहीं ना कहीं मॉनिटरी पॉलिसीज और उनको लगा कि भाई चलो सबको पैसा देते हैं और उसके चक्कर में इट इट ऑल वेंट इन टू अ हेवायर. सो इन्फ्लेशन क्या होता है मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ इन बेसिक टर्म्स, मुझे कोई हाई लेवल वो नहीं चाहिए. कोई बोल रहा है पैसे का वैल्यू कम हो जाता है, फेयर. कोई बोल रहा है कि प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीज हो जाती है, फेयर. तो सिंपल रखते हैं इसको, लेट्स कीप इट सिंपल. कैन आई से प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज राइज होती है तो अपन बोलते हैं इन्फ्लेशन होता है. Prices of when prices of commodities, when prices of commodities rise, जब कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है. और ये ध्यान रखना, ये अपन जो भी पढ़ रहे हैं वो सब मैं आगे वाले चैप्टर के साथ कनेक्ट करने वाला हूं.
एक्सटेंसिव लेवल पे, बट अभी समझे तो सही, मॉनिटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसीज, हाउ डज इट अफेक्ट, सो दैट कल जब अपन लोग स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना चालू करें तो अपने को एक आइडिया रहे कि ओके भाई ग्लोबल चीज इम्पैक्ट करती है अपने सब्जेक्ट को, ग्लोबल चीज, समझ रहे हो ना तुम लोग। और तुम लोग अब एक लेवल पे हो, ठीक है, सीए बनने वाले हो तुम लोग, सीएफए बनने वाले हो, जो भी बनोगे तुम लोग, वो लेवल ऑफ नॉलेज एक्सपेक्टेड है। और अगर लाइफ में किसी कंपनी का सीएफओ बनना है, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, शेयर मार्केट में पैसा कमाना है, तो आपको क्या लगता है, आपको ये सब चीजों का नॉलेज होना चाहिए कि नहीं? डेफिनेटली होना चाहिए। सीए तो मैं बना ही दूंगा, मेरी बुक और मेरा कंटेंट उतना तो स्ट्रांग हो गई कि आपको एसएफएम में तो 80+ 90+ आ ही जाएगा। बट एट द सेम टाइम आई विल ऑल्सो इंश्योर कि अगर इसमें आपको करियर बनाना है ना, तो भी आप कहीं पे किसी से पीछे नहीं रहोगे इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, दो कदम आगे रहोगे। क्योंकि मैंने काम किया है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विद सीएफएस, विद इंटरनेशनल सीएफएस एंड विद एमबीए, तो मुझे पता है कि वो लोग का नॉलेज लेवल क्या है, कहाँ से क्या कनेक्ट किया हुआ है उन्होंने। बस वो लेवल पे मैं तुम लोगों को लेकर आऊंगा, एट द सेम टाइम इंश्योरिंग कि अपने को जो पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है, समझ रहे हो? तो वो पढ़ने के साथ साथ अगर मेरा ग्लोबल इकोनॉमी कनेक्ट हो रहा है, और क्या चाहिए? दैट्स व्हाट आई विल बी डूइंग विद यू, राइट? चलो लेट्स स्टार्ट। सो व्हेन प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज राइज, अपने को पता है कि भाई चलो सर इन्फ्लेशन होता है। अब होता क्या है इसमें, इन्फ्लेशन में यूजुअली इन्फ्लेशन क्यों होता है? चलो मैं अगर आपको पूछता हूँ कि इन्फ्लेशन क्यों होता है, देर आर मेनी रीजन। एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, अलग अलग रीजन होते हैं। सो एक तो होता है कहना इसे डिमांड एंड सप्लाई का गेम, डिमांड एंड सप्लाई का गेम, बराबर है। सपोज सपोज मार्केट में 100 मोबाइल फोन्स है, सपोज मार्केट में 100 मोबाइल फोन्स है सप्लाई के लिए, सप्लाई के लिए मार्केट में 100 मोबाइल फोन्स है, बट इन मोबाइल फोन्स का अगर मैं डिमांड देखता हूं तो डिमांड है कि 1000 कंज्यूमर्स को ये मोबाइल फोन चाहिए, तो क्या होगा? क्या होगा अगर मैं आपको बोलता हूं कि 1000 कंज्यूमर है और मार्केट में खाली 100 ही मोबाइल फोन है, क्या होगा? क्या लगता है? क्या ना इससे मोबाइल फोन का कॉस्ट बढ़ जाएगा भाई, मोबाइल फोन महंगा बिकना चालू हो जाएगा, प्राइस विल इंक्रीज। मोबाइल फोन जो बना रहे हैं वो बोलेगा अरे वाह वाह वाह, इतना डिमांड है मेरा मार्केट में, चलो भाई भाव बढ़ा देते हैं। चलो सो ये कई बार रीजंस होता है, डिमांड सप्लाई का गैप, डिमांड सप्लाई का मिसमैच, बराबर है। अगर अभी मैं समझो आपको बोलता हूं, दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, समझो मार्केट में एक मोबाइल फोन है, खाली एक मोबाइल फोन है, और ये मोबाइल फोन बिक रहा है, से फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज में, ये मोबाइल फोन बिक रहा है, समझो 50,000 रुपीज में ये मोबाइल फोन बिक रहा है। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि ये मोबाइल फोन खरीदने के लिए देर आर 100 कस्टमर्स, देर आर 100 कस्टमर्स, खाली इतना मैं अगर आपको बोलूं तो मेरे को बोलो कि अगर 100 कस्टमर्स एक मोबाइल फोन खरीदने के लिए रेडी हैं तो कहना इसे प्राइस बढ़ेगा, यस सर। बट अब इसके साथ मैं आपको और एक चीज बोलता हूं, बट इन कस्टमर के पास पैसा ही नहीं है, इन कस्टमर के पास लिक्विडिटी नहीं है, इन कस्टमर्स के पास लिक्विडिटी नहीं है, क्या अब इस मोबाइल फोन का प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मार्केट में 100 कस्टमर है बट उनके पास पैसा ही नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, तो वो खरीदेगा कैसे इसको, आप मुझे बताओ, समझ रहे हो तुम लोग? सो इट इज नॉट ओनली डिमांड सप्लाई, एट टाइम्स सप्लाई है डिमांड भी है, बट साथ में इन्फ्लेशन किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कितना है। अब अगर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा दूंगा मैं तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि कम होगा? समझो मोबाइल फोन है, एक मोबाइल फोन खरीदने के लिए 100 कस्टमर है, अब अगर मैं मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा दूं, अब अगर मैं मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा दूं तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि कम होगा, सोच समझ के बोलो। अभी तो फिलहाल लिक्विडिटी नहीं है, कहना इसे अभी अगर मैं मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा दूं देन इन दैट केस इन्फ्लेशन विल इंक्रीज और डिक्रीज, सीधी सी बात है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, आपको लगेगा अरे भाई लिक्विड अरे यही तो गड़बड़ हो जाती है, यही तो गड़बड़ की थी जापान ने। सो अगर आपने इन्फ्लेशन के टाइम पे लिक्विडिटी को मैनेज नहीं किया तो कहना इसे इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, यही तो किया था जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे ने क्या किया, जब उनका इन्फ्लेशन होने लगा
तो उन्होंने और मार्केट में पैसा छापना चालू किया, तो लिक्विडिटी और बढ़ गया और उसकी वजह से इन्फ्लेशन की जगह पे हाइपर इन्फ्लेशन में वो कन्वर्ट हो गया, मानते हो कि नहीं? अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। सपोज यू आर मैनेजिंग द इंडियन इकोनॉमी, आप इंडिया के आरबीआई गवर्नर है, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने आपको, अगर याद हो तो मैंने क्या बोला था पता है, जब भी सेशन स्टार्ट हुआ था, मैं आपको ग्लोबल फाइनेंस से इंडिया पे कनेक्ट करूंगा और ऐसे कनेक्ट करूंगा कि आप लोग सोच के जवाब दोगे। अब ध्यान से सुनना, इंडिया के आप हो आरबीआई गवर्नर, जी हाँ आप, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप हो आरबीआई गवर्नर। अब मैं आपको बोलता हूं, समझो इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आप एज अ आरबीआई गवर्नर क्या करोगे? लिक्विडिटी इंक्रीज करोगे या लिक्विडिटी डिक्रीज करोगे? सोच समझ के जवाब देना। अब आने वाला 15 मिनट पूरा डिफाइन करेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, एंड वो 15 मिनट आप लोग से ही मैं जवाब लूंगा बिकॉज ऑफ द बेस दैट वी हैव सेटअप अर्लियर। आप लोग अब जवाब दोगे, आप आरबीआई के गवर्नर हो, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आप लिक्विडिटी बढ़ाना चाहोगे या कम करना चाहोगे? सब लोग ने सही एक ही आंसर दिया है। सर डेफिनेटली हम लोग लिक्विडिटी डिक्रीज करना चाहेंगे, अदरवाइज इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन में भी रिजल्ट कर सकता है। तो आप लोग ने मुझे सही जवाब दे दिया कि आप लिक्विडिटी क्या करना चाहोगे, लिक्विडिटी ये बढ़ाना नहीं चाहोगे, आप लिक्विडिटी कम करना चाहोगे। अच्छा, आप आरबीआई गवर्नर हो और आप इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड करते हो, मार्केट में लोन कितने पे मिलना चाहिए वो आप डिसाइड करते हो। आप मेरे को बताओ, सोच समझ के लॉजिकली बताना, आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाओगे या कम करोगे? अगर आप YouTube पे ये लेक्चर देख रहे हो या अगर आप Google Drive पे देख रहे हो, प्लीज मेरे को WhatsApp कर देना तो भी मुझे चलेगा, बाकी लोग जो मेरे लाइव वाले हैं ना वो तो मुझे जवाब देने ही वाले हैं। अगर आप लोग YouTube पे देख रहे हो तो कमेंट कर देना, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आप लिक्विडिटी को कम करना चाहते हो, बट ऑब्वियस ये रिलेशन आप लोग को समझ में आ गया कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो लिक्विडिटी को मैनेज करना है, तो आप इंटरेस्ट रेट्स का क्या करोगे? इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाओगे या इंटरेस्ट रेट कम करोगे? सोच समझ के जवाब देना भाई। तुम लोग सब लोग का तो करेक्ट आंसर है, तुम लोग भाई मेरे से सीखने आए हो या मुझे सिखाने? ये लोगों को तो सब आता है यार भाई, ये लोगों को तो सब आता है। ए चल भाई, ये लोगों को रिफंड कर दे यार, ये लोगों को सीखने का जरूरत ही नहीं है यार, सब आता है ये लोगों को। क्या बात है, सब लोग ने सही जवाब दिया है। सर हम इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करेंगे, सर हम इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करेंगे। क्यों एफआ क्यों? क्योंकि सर हम अगर इंटरेस्ट को इंक्रीज करेंगे देन इन दैट केस मार्केट में लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा, और मार्केट में लोन मिलना मुश्किल हो गया, लिक्विडिटी कंट्रोल हो जाएगा, लिक्विडिटी कंट्रोल हो गया, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। क्या बात है सर, क्या बात है, समझ में आ गया। अब इसका स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आओ मैं आपको बताता हूं। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया क्या? इतना तुम लोग ने मुझे बराबर समझा दिया कि सर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हम लिक्विडिटी को कंट्रोल करना चाहेंगे। हम लिक्विडिटी को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो अगर मैं गवर्नमेंट का, आरबीआई का गवर्नर हूं, तो सर मैं इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दूंगा, मैं इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दूंगा। आप मुझे बताओ, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो उससे मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्या लोन मिलना इजी हो जाएगा या लोन मिलना डिफिकल्ट हो जाएगा? लोन मिलना इजी हो जाएगा या लोन मिलना डिफिकल्ट? मतलब देखो, लोन तो दे ही दोगे, बट आप लोन लेना चाहोगे इजीली या लोन नहीं लेना चाहोगे? इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में बढ़ गया है, आप लोन लेना चाहोगे या लोन लेना नहीं चाहोगे, बोलो। आप लोन सी अगेन, लिसन टू माई क्वेश्चन, विल यू, इजी डिफिकल्ट इज नॉट द राइट वर्ड, विल यू वॉन्ट टू टेक द लोन और नॉट वॉन्ट टू टेक द लोन? वॉन्ट टू टेक लोन और नॉट वॉन्ट टू टू टेक लोन? एवरीबडी टेल मी, सब लोग ने सही जवाब दिया है। सर वी विल नॉट वॉन्ट टू टेक द लोन, सर सर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, सर वी डोंट वॉन्ट टू टेक द लोन। सो सर दिस इज वॉट विल हैपन, वी विल, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, सर वी विल नॉट टेक द लोन, अगर डू नॉट वॉन्ट टू टेक द लोन, एवरीबडी इज आंसरिंग। क्या बात है, सुनो सुनो सुनो, सो यू विल नॉट टेक द लोन, ध्यान से सुना। अब इसका इंपैक्ट बोलो, मैं क्या बोल रहा हूं, लोन आप कहां से लेते हो, लोन आप कहां से देते हो, वेयर डू यू, अगर आपको मैं बोलता हूं कि भाई मेरे को घर लेना है, मेरे को लोन लेना है, तो मैं कहां पे जाऊंगा? ध्यान से समझना, मतलब
तुम लोग ही आंसर दे रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो तुम लोग ही हो। मुझे लोन लेना है, मैं कहां पे जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा मैं लोन लेने के लिए? एब्सोल्युटली करेक्ट, सब लोग बोल रहे हैं कि सर आपको लोन लेना है तो आप बैंक के पास जाओगे। सर आपको लोन लेना है ना, सर आप बैंक के पास जाओगे। अब बैंकिंग स्टॉक्स पे क्या अफेक्ट होगा इसका? इन्फ्लेशन बढ़ा, जिसकी वजह से तुम आरबीआई गवर्नर बोलते हो मैं लिक्विडिटी कम कर दूंगा, जिसकी वजह से मैं इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर दूंगा, जिसकी वजह से आप बोलते हो आई डोंट वांट टू टेक द लोन, भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मैं लोन नहीं लेने वाला हूं। अगर मैं लोन नहीं लेने वाला हूं, इंपैक्ट ऑफ दिस ऑन बैंकिंग स्टॉक्स क्या होगा? बैंकिंग स्टॉक्स का भाव मार्केट में बढ़ेगा या कम होगा? लॉजिकली बताओ, बैंक का मेन बिजनेस क्या होता है? कहना इसे बैंक का मेन बिजनेस होता है एडवांसिंग ऑफ लोन, क्योंकि ये लोन देता है, एडवांसिंग ऑफ लोन। बैंक जब ये लोन देता है तो बैंक को इनकम मिलता है। क्या इनकम मिलता है बैंक को? कहना इससे इंटरेस्ट, कहना इससे बैंक को इंटरेस्ट मिलता है। बट अभी तो बैंक के पास कोई लोन लेने को जाएगा ही नहीं। मेरे को ये लोग बोलते हैं सर हम तो लोन लेंगे ही नहीं, अगर लोन लेंगे ही नहीं तो बैंक को इनकम मिलेगा ही नहीं। कौन सा इनकम? इंटरेस्ट इनकम मिलेगा ही नहीं। तो अगर बैंक को लोन इनकम इंटरेस्ट नहीं मिल गया, देन इन दैट केस क्या होगा? कहना इससे बैंक का स्टॉक को क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कहना इससे बैंक का जो शेयर है वो क्या होगा उसका? करेक्ट, इट विल डिक्रीज। लॉजिकली भाई, मैं कुछ अपना वो नहीं कर रहा हूं, समझ रहे हो? तो मैं कहां से स्टार्ट किया था, चलो थोड़ा थोड़ा उसको ऊपर लेके जाता हूं। मार्केट में इन्फ्लेशन आया, इन्फ्लेशन बढ़ा, तो आप लोग ने डिसाइड किया भाई लिक्विडिटी कम करना है। आप कौन होते हो? आप आरबीआई गवर्नर होते हो। तो इन्फ्लेशन आया, आपने बोला भाई, मोदी जी को फोन किया, आपने बोला मोदी जी मित्रों लिक्विडिटी कम करना पड़ेगा मोदी जी। तो अब आप क्या करोगे लिक्विडिटी कम करने के लिए? आपने बोला कि सर हम तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे। जैसे ही आपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, बैंक के शेयर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? आप लोग ने बोला कि बैंक का शेयर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक को जो इंटरेस्ट इनकम मिलने वाला था वो कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज मैं आपको पूछता हूं कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, आप रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे? मतलब रियल एस्टेट में तो बेसिकली इन्वेस्ट करना है, तो लोन लेते हो आप, और वही लोन से आप घर लोगे, जो भी लेना है आप लोगे। तो अब आप मेरे को बताओ रियल एस्टेट मार्केट का क्या होगा? आप सबसे पहले, आप क्या ऐसे मार्केट में जहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है आप लोन लोगे क्या? आपने बोला लोन तो लेना ही नहीं सर, क्यों मैं बड़े भी इंटरेस्ट रेट पे लोन लू? तो ठीक है, आप लोन नहीं लेने वाले, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो आप लोन नहीं लोगे। लोन नहीं लोगे तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। आप कैसे करोगे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट? आप मुझे बताओ, आप तो लोन से इन्वेस्ट करते हो रियल एस्टेट में, तो रियल एस्टेट के शेयर प्राइस का क्या होगा? रियल एस्टेट के शेयर प्राइस का क्या होगा? अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, रियल एस्टेट का शेयर प्राइस, वीना बोल रही है बैंक का शेयर, बैंक का भी शेयर मैं तो नहीं खरीदूंगा, बैंक का शेयर मैं नहीं खरीदूंगा क्योंकि बैंक को इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला इनकम, तो बैंक का शेयर मैं नहीं खरीदूंगा। रियल एस्टेट का शेयर प्राइस भी फॉल डाउन सर, कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। सर आप कर क्या रहे हो, पूरा मार्केट गिरा हुआ है। अरे रुको जरा, सबर करो, सुनो ना। चलो तो रियल एस्टेट भी गिर गया। अच्छा रियल एस्टेट मतलब कहना इसे बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर। अब अगर रियल एस्टेट का शेयर प्राइस गिर गया मतलब रियल एस्टेट में लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे। रियल एस्टेट से कौन सी इंडस्ट्री कनेक्टेड है? कहना इसे सीमेंट इंडस्ट्री रियल एस्टेट से कनेक्टेड है। रियल, अरे बोलो, हाँ, प्रांजल ने बोल दिया पहले। कहना इसे रियल एस्टेट सीमेंट इंडस्ट्री से कनेक्टेड है। कहना इसे सीमेंट इंडस्ट्री भी डाउन, अंबुजा सीमेंट डाउन। कहना इसे स्टील इंडस्ट्री, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील इंडस्ट्री भी डाउन, पावर इंडस्ट्री, ये सब इंडस्ट्री क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। ओ तो सर पूरा मार्केट गिर जाएगा क्या? रुको बताता हूं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया कि नहीं? मानते हो कि नहीं? ये पूरा कनेक्शन टू कनेक्शन समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब कब कौन शेयर मार्केट में अब इन्वेस्ट करना है, तो किसी के टिप पे करना है या खुद का दिमाग लगा के देखो, इन्फ्लेशन को, मॉनिटरी पॉलिसी को पढ़ो, लिक्विडिटी को देखो, और फिर बाद में दिमाग लगाओ। और ये लॉजिकल है बॉस, कहीं पे इसमें कुछ मैंने मेरा दिमाग नहीं लगाया, तुम लोग ने बोला है वो मैंने लिखा है। बट देर इज अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स जिसको कहते हैं डिफेंसिव स्टॉक्स, जो उल्टा गेम खेलते हैं, ध्यान से सुनना। एक है मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा है मेरा फार्मा, तीसरा है मेरा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब मुझे जवाब दो, अगर मैंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो क्या मैं दवाई खाना कम कर दूंगा क्या? क्या मैं, अगर मुझे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, क्या मैं दवाई लोन पे लेता हूं क्या? तो क्या मैं
दवाई लेना कम कर दूंगा क्या? नहीं। तो अब एक इंडस्ट्री है जो गिर रहा है, जैसे कि रियल एस्टेट, सीमेंट, स्टील। दूसरा इंडस्ट्री है जो एटलीस्ट स्टेबल है, जितना पहले दवाई खाता था अभी भी उतना ही दवाई खाऊंगा। आप कहां पे इन्वेस्ट करोगे? यहां पे रियल एस्टेट, सीमेंट, स्टील में या फार्मा वाले में? फार्मा वाला स्टेबल है, रियल एस्टेट इंटरेस्ट रेट से उसको फर्क नहीं पड़ा, वो स्टेबल है, बट एटलीस्ट वो गिर तो नहीं रहा है, तो मैं एटलीस्ट स्टेबल में इन्वेस्ट करूंगा। अब यहां का पूरा पैसा फार्मा में आना चालू हो जाएगा, तो फार्मा के शेयर का डिमांड बढ़ जाएगा, शेयर का डिमांड बढ़ा उतना ही इनकम है, क्या नहीं से उसका प्राइस बढ़ना चालू हो जाएगा ना पब्लिक, समझ रहे हो? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि बिस्किट खाना बंद कर दोगे? नहीं। शैम्पू करना बंद कर दोगे? नहाना बंद कर दोगे? नहीं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जैसे क्या? शैम्पू हो गया, सोप हो गया, ऑल ऑफ दैट, क्या वो आप कम करने वाले हो क्या? सो आर यू अंडरस्टैंडिंग द इंपैक्ट? कैन आई से यहां पे भाई एटलीस्ट मेरा एफएमसीजी स्टेबल रहेगा, फार्मा मेरा स्टेबल रहेगा, ये मेरा गिर रहा है तो मैं यहां से पैसा निकाल दूंगा। और मैं कहां पे इन्वेस्ट कर दूंगा? फार्मा में और एफएमसीजी में इन्वेस्ट करना चालू करूंगा। इसमें इन्वेस्ट करना चालू करूंगा तो इसके ऊपर डिमांड आएगा। अगर शेयर कोई भी मार्केट में कोई प्रोडक्ट के ऊपर डिमांड आता है, शेयर के ऊपर डिमांड आता है, क्या नहीं से वो बढ़ेगा। मतलब फार्मा, आईटी, आईटी पे भी इंटरेस्ट रेट का तो कोई फर्क नहीं है। अब आईटी को कैसे इंपैक्ट आएगा वो भी मैं आपको बताता हूं। सुनो सुनो सुनो, समझ रहे हो क्या तुम लोग ये लॉजिकली? समझ रहे हो? मतलब फार्मा और एफएमसीजी में इन्वेस्ट करना सेफ है, ऐसा नहीं है, उल्टा भी तो होगा। इंटरेस्ट रेट कभी कभार मॉनेटरी पॉलिसी उल्टा भी तो होगा, इंटरेस्ट रेट कम भी जाएगा, तब ये शेयर प्राइस बढ़ेगा, वो कम होगा, सब देखेंगे, सब समझेंगे। एक दिन में पूरा शेयर मार्केट के राकेश झुंझुन वाला आप नहीं बनना है अपने को, पहले समझे तो सही बेसिक्स। बट क्या ये लॉजिक आपके दिमाग में हिट कर रहा है, फिट कर रहा है? एवरीबॉडी मजा आ रहा है? सही है, सही है। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब होगा क्या? यहां से सुनो, इन्फ्लेशन की वजह से समझो मेरे मनी का वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा? मनी का मतलब मेरे रुपीस का वैल्यू बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, या मनी का वैल्यू डिक्रीज होगा? सोच समझ के जवाब देना। पैसे का वैल्यू कम होगा या कम बढ़ेगा? मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, छोटा सा एग्जांपल देता हूं, छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इन्फ्लेशन हो गया, समझो इन्फ्लेशन नहीं था, तब इन्फ्लेशन नहीं था तो से अब क्या लेने को गए? समझो ये बॉटल लेने को गए, ठीक है ना? जब इन्फ्लेशन नहीं था तब आपको ये बॉटल से 90 रुपीज में पड़ रहा था, तब आपको ये बॉटल 90 रुपीज में पड़ रहा था। अब आपके इंडस्ट्री में इन्फ्लेशन आ गया, आपके इंडस्ट्री में इन्फ्लेशन आ गया, समझ रहे हो? अब ये सेम 90 रुपीज के साथ क्या, चलो मैं या फिर इसको दूसरे पोटाउन से पुट अप करता हूं। समझो जब इन्फ्लेशन नहीं था तो आप जब 1 किलो से फॉर एग्जाम्पल भिंडी खरीदने को गए, या आप कोई वेजिटेबल खरीदने को गए, तो आप 1 किलो भिंडी खरीदने को गए तो आपको 90 रुपए में 1 किलो भिंडी मिली। क्या आज सेम 90 रुपए में, या इसको मैं 100 लिखता हूं फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, समझो आप 1 किलो भिंडी खरीदने को गए, आपको 100 रुपए में मिला, क्या आज इन्फ्लेशन के बाद, अब मेरी कंट्री में इन्फ्लेशन आ गया है, क्या आप सेम 100 रुपए के साथ ये 1 किलो भिंडी खरीद पाओगे क्या? क्या आप ये 1 किलो भिंडी खरीद पाओगे क्या? द आंसर इज नो। तो कहने से आपका जो पैसा है उसका वैल्यू डिक्रीज हो गया है, उसका वैल्यू इंक्रीज हो गया कि डिक्रीज हो गया है? आपके मनी का वैल्यू क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है। आपके मनी का वैल्यू क्या हो गया है? परचेसिंग पावर कम होगी, मनी का वैल्यू डिक्रीज हो गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? समझ रहे हो इस बात को? कहना इससे अगर मनी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, मतलब इन शॉर्ट मनी किसके, अपन लोग का मनी को अगर रुपीज को मेरे को बेंचमार्क करना है, तो कहना इसे रुपी डॉलर के साथ बेंचमार्क्ड है, रुपी मेरा डॉलर के साथ बेंचमार्क है। सो अगर से फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन के पहले 1 डॉलर खरीदने के लिए मुझे 90 चाहिए था, आज सेम 1 डॉलर खरीदने के लिए मुझे 100 रुपीज लगेगा। कहना इससे पहले मुझे 1 डॉलर खरीदने के लिए 90 चाहिए था, आज 1 डॉलर का 90 हो जाएगा, रुपीज 100 हो जाएगा इन्फ्लेशन की वजह से। अरे बोलो यार, बराबर कि नहीं बराबर? यस भाई, मेरा मनी का वैल्यू कम हो गया ना, क्योंकि पहले मैं 1 किलो भिंडी 100 रुपए में खरीद पाता था, अब आज सेम 100 रुपए में मैं 1 किलो भिंडी नहीं खरीद पा रहा हूँ, बस नहीं खरीद पा रहा हूँ, 1 किलो भिंडी नहीं खरीद पा रहा हूं, मतलब मेरे मनी का वैल्यू गिर गया। मनी इज पेग्ड, मनी इज बोलते ना उसका एक बेंचमार्क किसके थ्रू किया हुआ है? डॉलर के थ्रू किया हुआ है। तो कहना इससे
इन्फ्लेशन की वजह से मेरे डॉलर का भाव बढ़ जाएगा। बेसिकली डॉलर का भाव बढ़ रहा है, रुपी का वैल्यू कम हो रहा है, बराबर कि नहीं? अब अगर आप लोगों को पता हो, अगर आप लोगों को पता हो तो आईटी कंपनीज आर मेजरली इनटू एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज। क्या आप ये बात मानते हो या नहीं? आईटी कंपनीज इज मेजरली इनटू एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज। अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो डॉलर का भाव बेटर हो जाएगा। अगर डॉलर का भाव बेटर हुआ तो आईटी कंपनीज का क्या होगा? क्या ना, इससे आईटी कंपनीज तो बेटर वो लगेगा, उनको तो लगेगा कि भाई हमारे को, समझो पहले मैंने 1,000 डॉलर का माल बेचता, मैं एक्सपोर्ट करता तो मुझे 90,000 इंडियन रुपीज मिलता। आज मैं वही 1,000 डॉलर बेचूंगा, 1,000 डॉलर का माल बेचूंगा तो मुझे तो 1 लाख रुपीज मिलेगा, मुझे तो 1 लाख रुपीज मिलेगा, मुझे तो 1 लाख रुपीज मिलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो होता है, डॉलर भी उल्टा गेम, उल्टा भी होता है, सब बताऊंगा बाबा, फॉर नाउ, फॉर योर बेसिक नॉलेज। अभी अंडरस्टैंडिंग? सो कैन आई से, यहां पे इन्फ्लेशन बढ़ा, लिक्विडिटी कम हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, उससे ये सब स्टॉक गिरे, पर कैन आई से आईटी बढ़ सकता है? फार्मा और एफएमसीजी उतना ही है तो भी बढ़ेगा, बढ़ने का चांस है, क्योंकि एटलीस्ट उनमें डिमांड बढ़ जाएगा। आईटी स्टॉक तो प्रॉफिटेबल हो जाएगा और भी, क्योंकि वो तो एक्सपोर्ट कर रहा है और उसका जो एक्सपोर्ट में डॉलर मिलने वाला है वो तो बेटर रेट पे मिलेगा उसको। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? यस और नो? समझ में आया आप लोग को? सो अगर ये इन्फ्लेशन बढ़ा, देन इन दैट केस डॉलर पे क्या इंपैक्ट आएगा? कैन आई से डॉलर विल इंक्रीज, डॉलर वैल्यू विल इंक्रीज? यस और नो जवाब दो। बराबर है? अब समझो, अब समझो, अब समझो, सब चीज गिरेगा नहीं, कुछ बढ़ेगा भी। ये देखो इधर सब जो गिर रहा है उधर गिर रहा है। अब आप मेरे को बताओ गोल्ड पे क्या इंपैक्ट आएगा? अब मैं आपको बोलता हूं कि समझो आपने गोल्ड इंपोर्ट किया, इंपोर्ट गोल्ड करता है इंडिया, गोल्ड को इंपोर्ट करता ही है, सारी दुनिया को पता है। बट सर परचेजिंग पावर तो कम होगी, नेट में बात वही रहेगी। केतन गर, तेरा भी कॉन्टेक्स्ट को मैं समझूंगा, बट एज ऑफ नाउ तो मैं सपोज मैंने सितंबर में 1,000 डॉलर का माल बेच दिया, अब वो 1,000 डॉलर ही मेरे को ट्रांसफर करने वाला है, मेरे पास से फॉर एग्जाम्पल 90,000 की जगह अब 1 लाख आ जाएगा एज अ आईटी कंपनी। सो एज अ आईटी कंपनी मेरे लिए तो बढ़ गया, इवन इफ इट मार्केट में परचेजिंग पावर कम हो रहा है लोगों का, बट मैं अगर स्टेबल भी हूं वही लेवल पे तो भी इट इज अ पॉजिटिव फॉर मी। आईटी फार्मा एफएमसीजी के लिए वही हो रहा है केतन, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब दूसरा समझ, तो डॉलर बढ़ रहा है, अब गोल्ड को समझो। इंडिया गोल्ड का नेट इंपोर्टर है, इंडिया गोल्ड का नेट इंपोर्टर है। अब अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो गोल्ड और डॉलर का भाव बढ़ गया है, आप क्या कर रहे हो? गोल्ड को इंपोर्ट कर रहे हो और डॉलर का भाव बढ़ गया है, तो आपका गोल्ड का भाव बढ़ेगा या कम होगा? सीधी सी बात है, बढ़ेगा ही ना, क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हो। तो अब आप पहले 1,000 डॉलर आप देने के लिए आपको 90,000 रुपीज देने पड़ते थे, अब 1,000 डॉलर देने के लिए आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे गोल्ड को लेने के लिए। तो कहना इसे गोल्ड का भी भाव इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बढ़ जाएगा, इंडिया इंपोर्ट करता है तो इंडिया में गोल्ड का भाव बढ़ जाएगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? दिस इज हाउ द होल सिस्टम वर्क्स, ऑल बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट। क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्या होगा? क्रूड ऑयल भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बढ़ जाएगा। समझे कैसे पूरा मार्केट मूव होता है? सर दुख रहा है, फट रहा है कि एक अलग लेवल का मैजिक फील हो रहा है आज? क्या बोलते हो? ये तो मैजिक आज शुरू हुआ है, लंबा जाना है अपने को तो यार। अभी तो और इसको डिटेल में समझना है अलग अलग चैप्टर्स के थ्रू, जैसे किसी ने परचेजिंग पावर पैरिटी बोला उसको समझेंगे, ऑल ऑफ दैट, बट लॉजिक एंड मैजिक मैच होता है। अब समझा आपको कैसे स्टॉक मार्केट में चीजें चलती हैं, अब उसको कनेक्ट करना चालू करो आज से, तब लगेगा कि यस ये मैजिक काम कर रहा है, तब लगेगा ये मैजिक काम कर रहा है। एवरीबॉडी जिसको भी मैजिक लगा है प्लीज कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, यस सर दिस लेक्चर इज मैजिक, बस एनालिसिस है पूरा, लॉजिकल एनालिसिस जो तुम लोग ने करके दिया। अब एक लास्ट चीज बचती है, वो है बॉन्ड। बताऊं क्या उसके बारे में? फर्स्ट टाइम ऐसा समझा है, वेरी नाइस। इंपोर्ट्स का प्राइस इंक्रीज होगा, एक्सपोर्ट से प्रॉफिटेबल भी होगा, एब्सोल्युटली।
एक लास्ट चीज मैं आपको बता के छोड़ रहा हूँ, एंड दैट इज बॉन्ड पे क्या इंपैक्ट आएगा। आइडियली मैं नेक्स्ट डे भी पढ़ा सकता था, बट अभी सुनो बॉन्ड को सुनो। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड कहना इसे डिबेंचर और फिक्स डिपॉजिट के जैसा है। बॉन्ड बता दू चलेगा ना, भारी नहीं पड़ेगा ना, मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, तुम लोगों को सुनने का मन कर रहा है ना। गुड, सो बॉन्ड्स है या जो फिक्स्ड डिपॉजिट है, कहना इसे ये बॉन्ड, ये फिक्स्ड डिपॉजिट जिसकी मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ, ये बॉन्ड ये फिक्स्ड डिपॉजिट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसमें क्या होता है? कहना इसे फिक्स्ड रिटर्न और रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है ये दोनों में। बट फिक्स डिपॉजिट और बॉन्ड में एक ही फर्क है, बॉन्ड इज ट्रेडेबल, फिक्स डिपॉजिट इज नॉट ट्रेडेबल। और कोई भी चीज ट्रेडेबल होती है ना, तो उसका प्राइस ऊपर नीचे होता है। फिक्स डिपॉजिट आपका फिक्स डिपॉजिट है, आपको फिक्स रिटर्न ऑफ रिटर्न मिलेगा, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, आप घर पे जाइए, आप खुश रहिए। बॉन्ड्स ट्रेडेबल है, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडेबल है, और कोई चीज ट्रेडेबल हुई देन इन दैट केस प्राइस उसका ऊपर नीचे होगा। आओ मैं आपको बता दूं, से फॉर एग्जाम्पल, से फॉर एग्जाम्पल अडानी ने एक बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया आज की तारीख में, से आज बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया, से फर्स्ट से दिसंबर को बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया और बोला कि भाई जो भी मेरे बॉन्ड में 1 लाख रुपए डालेगा, मैं उसको 7% इंटरेस्ट दूंगा। मार्केट में जो इंटरेस्ट चल रहा है उस हिसाब से 7% मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। सो 1 लाख के ऊपर एवरी ईयर 7%, से 5 साल का बॉन्ड है ये, एवरी ईयर 7,000 मिलते जाएगा अपने को। एवरीबडी, इतना समझ में आता है तुम लोगों को? मुझे पता है बॉन्ड का नॉलेज नहीं है, बट इतना बेसिक चीज तो पता है ना, हर साल 7,000 मिलते जाएगा। अरे बोलो, यस ठीक है सर, समझ गए। अब सपोज, और अब बॉन्ड क्यों इशू किया अडानी ने? अडानी को पैसा चाहिए था, तो उसने बोला कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, तो मार्केट से मैं पैसा लूं तो तुम लोग मुझे, मैं तुमको बॉन्ड इशू करता हूं, तुम लोगों को सामने इंटरेस्ट दे रहा हूं, व्यावहारिक है, और 5 साल बाद रीपे कर दूंगा। अब 2 साल बाद अडानी को और लोन चाहिए, और लोन चाहिए, तो अपने को पता ही है अडानी ग्रीन एनर्जी में भी है, अडानी एयरपोर्ट्स भी अक्वायर कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कर रहा है, सो ये सब चीज के लिए अब अडानी को और पैसा चाहिए। अब अडानी ने, से फॉर एग्जाम्पल ये था 1 दिसंबर 2025 को ये इशू किया था, अब अडानी 1 दिसंबर 2027 को, 2 साल बाद उसको और पैसे का जरूरत पड़ता है, तो और बॉन्ड इशू करेगा, और बॉन्ड जब वो इशू कर रहा है तो से उसने और 1 लाख रुपए का बॉन्ड इशू किया, और 1 लाख रुपए का बॉन्ड उसने इशू किया। बट अब 2027, 1 दिसंबर 2027 को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट का, उसके हिसाब से बॉन्ड उसको देना पड़ेगा। सपोज उस दिन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, सपोज उस दिन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, आप मेरे को बोलो क्या होगा बॉन्ड के साथ? अब क्या होगा सुनो, अगर ये इंटरेस्ट रेट यहां पे बढ़ गया है, तो कनाई से अब लोग क्या करेंगे, कनाई से ये वाला जिसने भी बॉन्ड लिया रहेगा वो इसको सेल करना चालू कर देगा, और लोग ये वाले बॉन्ड पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे मुझे ज्यादा टका मिल रहा है ना, 7 की जगह 9 टका, पहले जब मैंने लिया था 7 टका था मिल रहा था, अब मुझे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया होगा, गवर्नमेंट ने मॉनिटरी पॉलिसी के थ्रू इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया होगा, तो अडानी को तो उसके हिसाब से ही देना पड़ेगा, जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट चल रहा है तो उसके हिसाब से 9% हो गया। अब अगर ये 9% हो गया, तो मैं सोचता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं 7% क्यों खाऊँ, इसको बेचता हूं और ये वाला लेता हूं, अभी अंडरस्टैंडिंग। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से ये वाले बॉन्ड के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ, कैन आई से ये वाला जो मेरा बॉन्ड था, अब इसके ऊपर सेलिंग प्रेशर आएगा, अब इसके ऊपर सेलिंग प्रेशर आएगा, इसके ऊपर सेलिंग प्रेशर आएगा, तो क्या होगा, बॉन्ड का वैल्यू गिरेगा। कभी भी ध्यान रखना, इंटरेस्ट एंड बॉन्ड वैल्यू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको तो बहुत डिटेल में वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड में पढ़ाऊंगा, बट लॉजिकली समझा, और उल्टा उल्टा सोचो, तुम उल्टा सोचो। चलो अगर समझो यहां पे 9% की जगह पे अडानी बोलता है कि नहीं, 9% नहीं, अभी मार्केट में 5% के हिसाब से चल रहा है, 5% के हिसाब से चल रहा है, सो कैन आई से ये वाले बॉन्ड का वैल्यू और बढ़ जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट अगर कम हुआ देन इन दैट केस वो वाले बॉन्ड में कोई नहीं जाएगा, वो पब्लिक बोलेगा कि यार मुझे बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, मैं कौन सा लूँ, सब लोग बोलेंगे ये वाला बॉन्ड ले, इसमें 7% मिल रहा है, इस बॉन्ड का वैल्यू बढ़ जाएगा। समझ गुडू। अगर आपका यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ा, अगर आपका यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ा तो बॉन्ड पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, बॉन्ड के वैल्यूएशन पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, इट विल डिक्रीज।
गॉड, क्यों कैफा लगा? सोचा था आपने फर्स्ट लेक्चर में इतनी सारी चीजें इतने लॉजिक से आप खुद डिराइव करके सीखोगे? वाह, मजा आ गया, मुझे पढ़ाने में मजा आ गया क्योंकि तुम लोग ने उस हिसाब से आंसर्स दिए। अब ये इंटरकनेक्शंस, क्या नहीं, इसे आप लोग भी अब मार्केट में देखना चालू करोगे? अब थोड़ा कनेक्ट करना चालू करोगे मार्केट को? अब तक अपन लोग देखते थे, स्टॉक मार्केट को नहीं देखते, ऐसा नहीं है, सब सालों से देखते आ रहे, कभी रेड कभी ग्रीन, बट सर कभी समझ में नहीं आता है एफा क्यों, एफा क्यों समझ में नहीं आता है। अब कनेक्ट करना चालू करोगे कि नहीं? अब मैंने क्या बोला, कनेक्ट करना? अभी तो और बहुत सारी चीजें, दुनिया भर की चीजें सीखनी है आपको, आपको भी, मेरे को भी, मेरे लिए भी एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है, आप लोग के लिए भी, जो मार्केट में इन्वेस्ट करना है वो भी। बट अब इसका इंपैक्ट क्या होगा वो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आप लोग को? अब समझो मॉनिटरी पॉलिसी आएगा आरबीआई गवर्नर का, तो क्या अपन ध्यान देंगे? यस, वैसे ही यूएस फेडरल का जो मॉनिटरी पॉलिसी आएगा उसके ऊपर भी ध्यान देंगे? यस, जैसे आरबीआई इंडिया का मॉनिटरी पॉलिसी लेता है, यूएसए का फेडरल रिजर्व लेकर आता है, क्या वो मॉनिटरी पॉलिसी से भी फर्क पड़ेगा? यस। क्या आप लोग आज से थोड़ा यूएस स्टॉक मार्केट को भी ट्रैक करना चालू करोगे? यस। समझ रहे हो तुम लोग, समझ रहे हो तुम लोग, वैसा है। और अगर आप लोग ने सुना होगा तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि वापस से ग्लोबली रिसेशन आ सकता है, ये वो। सो आई थिंक उससे अच्छा सीखने का टाइम ही नहीं है ये, है कि नहीं? तो आने वाला 2 महीना जो अपन जम के चीजें सीखने वाले हैं ना प्रैक्टिकली कनेक्ट करके, मतलब लेट मी टेल यू, लेट इट बी द बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू एंड फॉर मी, एंड लेट्स डू आर रिसर्च, लेट्स डू आर वर्क ऑल्सो, साथ में पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, बट चीजें कनेक्ट होगी तो मजा आ जाएगा। अब लगता है इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर देंगे 100%, बट कनेक्शंस के साथ, कनेक्शंस जुड़ गए ना अब मजा आ जाएगा। नैसडैक है, डाउ जोन्स है, निफ्टी, सेंसेक्स। अब मैं आपको बोल रहा हूं आने वाले 2 महीने है ना, शादी कर लो ये सब से, डाउ जोन्स, निफ्टी, सेंसेक्स, ट्रस्ट मी, ये सब चीजों से अगर आप शादी कर लोगे ना आने वाले 2 महीनों में मजा आ जाएगा। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन गवर्नमेंट इंक्रीज एफडी रेट बाय 0.25-0.5% ओनली, बट इन करंट सिनेरियो वी सी दैट मार्केट इन्फ्लेशन इज 6-7%, बट बैंक इंटरेस्ट पीपल आर गेटिंग फंड 4.5%, सो एवरी ईयर द वैल्यू विल डिक्रीज, सो प्रिफरिंग टू इन्वेस्ट इन बिजनेस और स्टॉक मार्केट मॉनिटरी डिसीजन विल फेल, डिपेंड्स। सी कुछ है ना, एक टाइम ऐसा था जब एग्जैक्टली उल्टा हुआ, बोलते ना एक्सेप्शन होते हैं हर बार, 9 out of 10 times ऐसा होगा, बट एक कुछ टाइम्स ऐसा भी हुआ है जब इन्फ्लेशन बढ़ा है, लिक्विडिटी कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, बट उसके बाद भी बैंक का स्टॉक, रियल एस्टेट का स्टॉक, सीमेंट का स्टॉक सब बढ़ा है, लोगों ने फिर भी लोन लिया है और फिर भी इन्वेस्ट किया है एंड फिर भी पैसा कमाया, तो वो एक्सेप्शंस थे। कब होता है, क्यों होता है, कितन गर, डेफिनेटली वो भी अपन लोग को कनेक्ट करना पड़ेगा। पहले इन टर्म्स को कनेक्ट नहीं कर पाते थे, अब क्लियर हो गया, दैट्स रियली नाइस टू सी। अच्छा एक चीज मैं बता दूं कि तुम लोगों को जो भी डाउट्स वाउट्स हो, कुछ भी डिस्कस करना हो, कुछ भी हो, आई एम शेयरिंग माय व्हाट्सएप नंबर विद यू सो दैट यू कैन स्टे कनेक्टेड। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, इन जनरल डिस्कस करते रहना हाउ द लेक्चर्स आर गोइंग, हाउ थिंग्स आर वर्किंग। सुबह सुबह दिमाग के तार खुल गए, बस यही तो चाहिए था। मुझे तो सच्ची में थोड़ा एक डर था कि यार फर्स्ट डे पे मैं ये सब करवा रहा हूं, थोड़ा तुम लोग के लिए हाई फाई ना हो जाए, तुम लोग को लगेगा कि भाई ये क्या है, ये क्या करवा रहा है, बट मुझे लगा कि यार ये तो चाहिए ना। और एंड ऑफ द डे आई थॉट कि लॉजिकली अगर अपन सोचेंगे तुम लोग से मैं करवाऊंगा तो दिस इज वर्किंग, एंड दैट्स वेयर आई आई टुक दिस इनिशिएटिव। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग दिस पॉजिटिव फीडबैक, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई चलो, कि अगर चीजों को लॉजिकली कनेक्ट करते हैं एंड सिस्टमेटिकली रखते हैं देन आप लोग का भी उतना ही कनेक्ट मिलते रहेगा, राइट? ग्रेट यार, ग्रेट, इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस, मौज करवा दी, दैट्स रियली ग्रेट। चलो अच्छा लगा ये सब सुन के। यस, फर्स्ट डे से लेके एंड डे तक एनर्जी कहीं पे भी कभी भी कम नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। प्रियंका गायकवाड़ बोलती है मजा आ गया, दैट्स रियली ग्रेट टू नो। थोड़ा बहुत एफएनओ भी, फ्यूचर भी समझाना, अरे भाई करना ही है ना एफएनओ, फ्यूचर्स, ये सब तो अपने को प्रैक्टिकली मतलब सम्स करना ही है, तो मुझे समझाना ही पड़ेगा, एंड क्या कनेक्ट करके कैसे समझाऊंगा, आई होप आप लोगों को ये अभी समझ में आ गया होगा। एंड ये सब चीज मैं कहां पे सीखा मैं भी आपको बता दूं, सो अगेन बीइंग अ पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कंपनी लाइक जेपी मॉर्गन, आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन टू अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दिस। अब ये मौका मिल रहा है आप लोग के साथ इसको इम्पैक्ट करने का,
इससे बड़ा एक्साइटमेंट मेरे लिए भी कुछ नहीं है। चलो गाइस, यस, सेशन को अपन अभी एंड करेंगे आज इस नोट के ऊपर कि कुछ पॉजिटिव सीखा है। एवरीडे ये अपने को डिस्कस करना है और ये बोलना है, समझना है कि यस सर सीखे है। डेफिनेटली व्हाट्सएप नंबर है, तुम लोग शेयर कर सकते हो तुम लोग का थॉट प्रोसेस कि कैसा लगा तुम लोग को ये फर्स्ट लेक्चर एंड और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस इससे बढ़ा है, सो दैट मैं उस हिसाब से प्रिपेयर्ड होके आप लोग को डिलीवर कर पाऊंगा। मेरी तरफ से मैं ट्रस्ट मी 200% देना चाहता हूँ। बट बोलते हैं ना, ताली दोनों हाथ से बजनी चाहिए। आप लोग भी अगर बोलते हो कि हाँ सर मजा आया, ऐसा देते रहो इम्पैक्ट, देन आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव। अदरवाइज कुछ लोग बोलते हैं बस आओ सर सम करवा के जाओ, वो तो करना ही है, वो भी करेंगे। सर आपने SCMP से क्यों स्टार्ट किया, SFM से क्यों नहीं? गुड क्वेश्चन। सो मुझे साथ में ही करना था दोनों, बट SCMP टुक ओवर एंड इट वॉज अ मैटर ऑफ चांस कि मुझे SCFM में आना ही था आज नहीं तो कल। बट SCMP में क्या हुआ कि ओल्ड सिलेबस मैंने कॉस्टिंग से चालू किया, फिर इमीडिएटली ओल्ड सिलेबस का वो न्यू सिलेबस आया AMA से SCMP, तो उसमें मैं बिजी हो गया। फिर वो SCMP में फिर केस स्टडी डाइजेस्ट आ गई तो उसमें बिजी हो गया, एंड दैट इज वेयर थोड़ा सा कहीं ना कहीं SFM डिले हो गया। फिर मैंने बोला कि चलो अब मैं पूरी तरह से तैयार हो चुका हूँ एंड रेडी टू डिलीवर, सो नाउ लेट्स लेट द गेम बिगिन। आज घर पे कुछ करना है क्या? घर वालों को भी ये लेक्चर सुनवा देना ताकि वो लोग भी आप लोग के साथ इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दे। और आज कुछ नहीं करना है, फर्स्ट डे है, इतना ओवर बर्डन करूंगा तो अगले दिन तुम बोलोगे सर आना ही नहीं है, तो वो मुझे नहीं चाहिए। अब आज एक अच्छे नोट पे, एक पॉजिटिव नोट पे अपन एंड कर रहे थे कि यस कुछ सीखे कुछ समझे, ठीक है? चलो ग्रेट टू नो गाइस। ओ वाह पल्लवी। चलो गाइस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस सुपर रिस्पॉन्स। बोलता है ना अब अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब खाली CA और SFM नहीं, फाइनेंशियल लेवल का सुपर एनालिस्ट बनाऊंगा आप लोग को, मैं CFO लेवल तक लेके जाऊंगा। जस्ट मार्क माय वर्ड्स। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता। एनीथिंग एल्स यू कैन ड्रॉप मी अ कमेंट एंड विल डेफिनेटली स्टे इन टच विद यू। थैंक यू, बाय बाय। अगेन आई टोल्ड यू ये सब जो भी आज मैंने करा है एक ओवरव्यू था, अब इसमें और इन डेप्थ जाएंगे। सो बोलते हैं ना स्काई इज द लिमिट। यस पार्थ, जो मेरा अभी आप लोगों को पता होगा मॉर्निंग क्लास चल रहा है एंड इवनिंग क्लास साइमल्टेनियसली स्कूल इंग्लिश बैच, तो फुल इंग्लिश बैच में भी एग्जैक्टली सेम चीज ही डिस्कस होने वाला है फॉर फुल इंग्लिश पीपल, जहां पे मेजरली साउथ के स्टूडेंट्स है या वो स्टूडेंट है जो जो इवनिंग में मेरे साथ बैठना चाहते हैं। चलो गाइस सी यू टुमारो, हस्ता ला विस्ता, थैंक यू सो मच एंड बाकी कुछ भी रहेगा विल टेक केयर। चलो थैंक यू, यस सौम्या टोटली, और ऐसे ही कम्युनिकेट करते रहना, इट विल रियली बी हेल्पफुल टू यू एंड टू मी। एनीथिंग एल्स लेट मी नो। सो मैंने बुक्स का आज डिस्कशन कर लिया है, मार्केट का हाई लेवल डिस्कशन कर लिया है, जहां पे खाली स्टॉक मार्केट नहीं, मार्केट के एक एक एलिमेंट्स को, डॉलर, गोल्ड, क्रूड ऑयल, बॉन्ड वैल्यू, सेक्टर्स जैसे IT, फार्मा, FMCG, रियल एस्टेट, सीमेंट, स्टील, सबको इनडायरेक्टली एनालाइज कर लिया। इंटरेस्ट रेट का इंपैक्ट, लिक्विडिटी का इंपैक्ट, इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, स्टैग्नेशन, वाओ, इन अ स्पैन ऑफ एन आवर और सो विद फुल क्लैरिटी विद इनपुट्स फ्रॉम योर एंड। थैंक यू फॉर दिस बेस्ट अमेजिंग सेशन। हस्ता लविस्ता, टेक केयर, मिलते हैं कुछ और नई चीजों के साथ आने वाले उसमें।